सुशांत ने सबसे पहले क्या करो, भले ही इसको भूल जाओ, तुम्हारी जो मां भक्ति हो, लेकिन ये तिलों को कभी मत भुला करो। क्यों? क्योंकि ये ऐसे तिलक है जिसको लगाकर कृष्ण तुम्हें स्वीकार कर लेते हैं। अगर एक बार अगर तुम्हें स्वीकार कर लिया, आज मैं काम लग गई, कृष्ण ही चिरकाल के लिए तुम्हें गोपी बना करके गोलोक वृंदावन में स्थान दे देंगे। लेकिन ये जगत का मान मिटते रहेगी, शंका टूटते रहेगी, हर जीवन में मिलना तैयार नया नशा मिलेगा, तैयार है कितना बनाओगे, कितने बनाओगे, नए 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 नहीं। तब तक ये जगत का पति को पति रहेंगे, अगर कंठी तिलक लगा लिया ना, बस उसके बाद में कृष्ण सेना तुम्हें स्थान दे देंगे। नहीं तो जगत का जो मरने वाले पति को बस मांग भर दे, मांग बेटा वे संख्या तोड़ोगे, संख्या पेटोगे, ठीक है ना। सगर उगर क्या करनी, तिलक, दुनिया भूल जाओ लेकिन तिलक मत भूलना। ये गोपी तिलक है, फिर क्या है, ये गोपियों की चरण धूली है, ब्रजवासियों का चरण धूली, इसको लगाना कभी भूलना नहीं, ठीक है ना। इतने मेरे कथा सुना तो उसका बच्चा रुक रंग नहीं चढ़ा, और सबको अगर रंग नहीं चल रहा, मैं रोज रोज इसी विषय पर बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ कुछ गोपियाँ अगर रंग तो चाहिए, कुछ कुछ लगाते हैं। कल बता रहे थे ना, सबसे बड़ा भय या सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोग, क्या लोग क्या बोलेंगे अगर तिलक लगा लिया। देखो गरीब में तो कोई चिंता नहीं कि कभी सबके सब तिलक लगा, सब आता है ना धीरे 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 तिलक लगाना शुरू कर दिया, इसलिए कोई चिंता मत करो। हैं, इसलिए सबके सब सरल करके क्या करो, तिलक लगाओ। तिलक लगा के क्या करो, उसके बाद में जो गुरु मंत्र, गुरु मंत्र को जप करो, सवेरे सवेरे गुरु मंत्र को जप करो, ठाकुर जी के जैसे स्नान कराते हो, गोपाल जी को रोज स्नान कराना, गोपाल जी को स्नान करा के उसके बाद में ठाकुर जी के आरती उतारना, तुलसी परिक्रमा करना, चार बार तुलसी परिक्रमा करना, तुलसी परिक्रमा करना, और भगवान के नाम कीर्तन करो। भगवान जो माला गुरुदेव ने दिया, ये माला कभी भूखा नहीं जानी चाहिए, मतलब ऐसे दिन नहीं गया जिसने माला हम जप नहीं किया, रोज माला को नियमित करके माला को रोज जपा करो। इसलिए पहला अकुल मतलब क्या है, पहला अकुल है जब भगवान के लिए कुछ करें, जब भगवान के लिए कुछ करेंगे उसको देख करके, दूसरा अकुल क्या, भगवान खुश हो जाएंगे, देखो करिए कितना कष्ट करता है, हैं, करिए वो कितना कष्ट करता है, फिर देख करके ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। बस ठाकुर जी खुश हो गए ना, सारा दुनिया खुश हो जाएगी। अगर ठाकुर जी खुश हो गए सारा दुनिया खुश हो गई, लेकिन अगर सारा दुनिया को तुमने खुश कर दिए लेकिन तुमने ठाकुर को खुश नहीं कर पाए, फिर तो कोई भी काम आने वाले नहीं। इसलिए विभीषण ने केवल एक प्रभु राम को खुश कर दिया, और रावण ने सारे को खुश किया था, लेकिन वो कोई काम में आया नहीं, वो कोई भी काम ही नहीं, सब चल के मर गए, लेकिन एक विभीषण ही जगत में बच गया। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं, क्या करो, भगवान के साधन करो, भगवान को साधन करनी चाहिए। एक बार हाथ उठाओ, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इतने में भैया बोले तेरे पीछे सवेरे से शाम तक हो गया, लड़का काम का उपरा हुआ। भैया जब चली गई ना, कृष्ण सामने दिखा जबलाल जी को दिख गया, ये दोनों नारद जी के अभिशाप से ये दोनों जमज वृद्ध जन्म, जबलाल जी ने वृद्ध जन्म हुई। नारद बोले कृष्ण का चरण स्पर्श से मुक्ति मिलेगी, अभी सखा को बोले धक्का मारो, और कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में होते हुए जब गए, थोड़ी सी राम करके दोनों वृक्ष गिरे, उससे दो देवता निकले, भगवान को परिक्रमा किए, परिक्रमा करते हुए दक्षिण दिशा में चले गए। अभी सॉरी ब्रजवास लाला तो का राम नाम सत्य हो जाता। इतने में नंद बाबा आ गए, बोले बोला किसने, बोले बाबा, बोले खो मामा मामा माँ कहते रहते हो, बोले बताओ अभी किसको पास में रहोगे, बोले मैं बाबा को पास में रहा करूँगा, भैया मेरे को मार दिए और भैया के पास में नहीं जाऊंगा। नंद बाबा तो जसोदा को बड़ी डांट ले जाए, अरे एक दो मटकी तो फटाऊगा और कुछ तो कुछ नहीं, कितने कष्ट से एक लाला हमें मिलोगे, और तुमने एक दो मटकी फटने का वजह से तुमने बांध दिया, कैसे दोनों वृक्ष दोनों तरफ में गिर गए,
अगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाता लाला का राम नाम सभी हो जाता, लगता है तेरी दूध दही मट्टी में ज्यादा आ सकती, तो उसको लेकर रहा करो। मैं कृष्ण बलराम दोनों बालों को लेकर मैं विदेश जा रहा तीर्थ भ्रमण करने के लिए, भैया इतने दुखी, इतने दुखी हो गई, गाली अपने आप को गाली देने लग गई, मेरे हाथ में कुष्ठ व्याधि क्यों नहीं हो गया, इन्हीं हाथों में मैंने कृष्ण को बांधा तो बांध मैंने कैसे दिया। इतने में भैया बड़ी दुखी हो गई, नंद बाबा बड़ी डांट लगाए। नंद बाबा ने हरस व दूध में मिश्री मिला करके लाला को खिला दी, और नंद बाबा आकर श्री मैया जसोदा आकर के एक घर की कोने में बैठ कर के रो रहे, दुखी हो रहे। और नंद बाबा शाम को आए, जब शाम को आए कृष्ण बलराम को लेकर के दोनों गोद में कृष्ण बलराम बैठे हुए। अभी घर में लड़ाई हो, अगर दो व्यक्ति की लड़ाई हो फिर उनको लड़ाई को शांत तो कौन करेगा, जो बीच में कोई हो, बोले बीच में कौन, बोले रोहिणी, बोले रोहिणी कौन, बलदेव प्रभु का मां। अभी सोच रहे कि इनके तो लड़ाई हो, बोले अभी इनको शांत कैसे कर, बोले शांत तभी हो सकते हैं अगर नंद बाबा की गोद से कृष्ण को ले करके अगर श्री जसोदा की गोद में छोड़ देना, लड़ाई शांत हो जाएगी। इतने में मैया रोहिणी ने बलदेव प्रभु को बोले, बोले बलदेव एक काम कर, तो कृष्ण को लेकर के बाबा जी की गोद से तुम मैया की गोद में छोड़ दे। बलदेव प्रभु जो पकड़ने के लिए गए ना बलदेव, इतने में कृष्ण को झटका मारे और दाऊ भैया तो वहीं गिर पड़े। इतने में रोहिणी कहती बोले लाला कन्हैया तुम मैया के पास में नहीं जाओगे, बोले नहीं मैया तो मेरे को मारती है, बाबा मेरे को बड़े प्यार करते, बाबा कभी मेरे को मारते नहीं, मैया मारती है। बोले ये बताओ अगर तुम बाबा मैया के पास में नहीं जाओगे, ये बताओ दूध कहाँ से मिलेगा, दूध तो माँ के पास में मिलेगी ना, बाबा के पास में मिलेगी नहीं। बोले पिताजी धारस में दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले सोर्ग किसको गोद में, कृष्ण का आदत है जब तक मैया की गोद में नहीं सोए नींद नहीं आती। बोले सोएगे कहाँ, बोले बाबा की गोद में। बोले खेलोगे कहाँ, बोले दाऊ भैया को साथ में। बोले अगर मैया को पास में नहीं जाओगे मैया ऐसे होगी, मतलब अगर मैया मर गई फिर क्या होगी। इतना सुनते ही कृष्ण को रहा नहीं गया, फिर पिताजी की गोद से खड़े होकर के मैया 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 करते करते सीधा माँ की गोद में लेट गया। और मैया भी कन्या को गोद में पा करके वो भी फूट फूट करके रोने लग गई। और जितने वहाँ ब्रजवासी थे ना, ये लीला जो दर्शन कर रहे थे वो सब के सब रो रहे थे। ऐसे ही कृष्ण ब्रज में बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हुए पूरा ब्रज मंडल को पूरा मुक्त करके रखे थे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधे। एक भजन सुन लो फिर आगे कथा सुनो। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अच्छा आप लोगों के घर में गोपाल किस किस के घर में है, लड्डू गोपाल बहुत सारे के घर में है भी नहीं, हाथ में नहीं है, तो देखिए जिसके घर में गोपाल है आप थोड़े से आगे आ गया जाओ, तो पीछे माताएं आ रही है ना वो बैठ सकते हैं, एक एकदम पीछे मिला तो गोपाल जी को एकदम सर का एकदम सतर्क सतर्क करके बैठो। एक एक माता है ना, दो दो माताओं का घर में भेज रहे हैं, और थोड़ा ये बीच में बहुत सारी जगह आप लोग सामने आ गर्म करते हैं सामने गर्म हो जाएंगे, और फिर आगे आ जाओ और थोड़ी आगे पीछे रास्ता पीछे जो बैठे हो आगे चल रहा और उधर आ जाओ आगे और उधर आगे और थोड़ा आगे आ जाओ पीछे जो माताएं बैठे कोई सर पे नहीं रही है बरबर और थोड़ा आगे आ जाओ और थोड़ी आगे आ जाओ और उधर जो माताएं बैठी ना कुर्सी में आप पीछे चले जाओ, आप लोग सब पीछे चले जाओ, पीछे खाली जगह में बैठ जाओ, जो कुर्सी में बैठे हो सब पीछे जाओ, आगे सबको बैठने दो, पीछे उठाओ कुर्सी उठा करके सब पीछे कुर्सी ले लो, वहां पर 50 लोग भक्त बैठ सकते हैं, माताएं कोई खड़ी नहीं हो रही, माताओं को सब पीछे पीछे और पीछे, वहां पर कोई है कोई हमारे पुरुष लोग माताओं को सेटिंग कर दो, सब माताओं को पीछे बैठाओ,
एकदम पीछे, कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अब उधर से एक रास्ता रख लो जो गिरिराज के लिए जो ला रहे हैं जैसे यहाँ तक रख सके। और भैया सबको पीछे करो और पीछे करो, रखो कोई कुर्सी सटक तक भी अलग बैठनी चाहिए। तो हाँ, मैं जो बोल रहा था, गोपाल जिस चीज के घर में है, लड्डू गोपाल है ना, सब लोगों के घर में लगभग। तो आइए, कैसे आप लोग गोपाल जी को लोरी सुनाते हो क्या? लोरी वृंदावन में सुनाते हैं गोपियां, लोरी सुना करके गोपाल जी को सुनाते हैं। कैसे लोरी गाते हैं? आप भी आपके घर में गा सकते हैं, लोरी गा करके गोपाल जी को सुना है। कैसे? छगन मगन, छगन मगन, छगन मगन, मेरे
दिन है, सब लोग इस बार खड़े हो जाए, आज लास्ट दिन है, फिर आगे मौका पता नहीं कब मिलेगा, एक एक साल बाद मतलब आता है, इसलिए सभी लोग पढ़ाइया की स्वागत है। Yeah.
आप लोग सब शांत होकर के बैठ जाएं।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन चला गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः अनाघातं भृङ्गै रणपहत सौगंध मलिनै रणोत्पन्नं नीरे क्वचन चचिदानंद सरसू यशोदाया क्रोडे कुप्पलयामि पौधास्तद भवे स्तंभाभ्यंतर गर्भ भाग निगवत व्याख्यात तद्वै दहि यह पंचानन पंचजन्य वपुषा व्याधस्य विश्वात्मकम् हरे कृष्णा। मैं सबसे पहले अपने दीक्षा गुरु पूज्य पाद भक्ति के दान श्रीधर महाराज जी के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव ओम नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तरदश भक्ति विधान स्वामी श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में बड़ी बात करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णविया जो श्री भगवान की कथा का आनंद लेने के लिए उपस्थित हुई है उन सबको यथा योग्य धन्यवाद अर्पण करता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पर सब भगवान की कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं सबसे बढ़िया कथा जो है वो पुरातन समय से लेकर के अब तक कौन सुनाता है, कोई बताएगा? सबसे बढ़िया हमारे गुरुदेव तो नहीं है, सबसे बढ़िया पूर्व का आदिकाल से लेकर के अब तक। देखिए राधा ताप्ती उपनिषद में वर्णन आता है श्री भगवान समस्त देवियों को लक्ष्मी इत्यादियों को अंकित करते हुए कहते हैं सुन लक्ष्मी अस्य लोकस्य महात्म्यम अहम् वक्तुम् अशक्तश्च ब्रह्मलोके स्थिता रुद्रलोके स्थिता परतेपि मम लीला न जानन्ति अन्ये मम भक्ता बहवः सन्ति परतेपि मम लीला न जानन्ति केवलं राधिका पदरसे मनोमज्जतु ते हि जानन्ति नान्ये। सबसे कहते हैं भगवान हे लक्ष्मी सुन मेरे उस लोक मेरे वृंदावन की लीलाओं को कहने में मैं भी असमर्थ हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तो कौन कहेगा? ब्रह्मलोक स्थिता ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बैठे हैं वे भी कह सकते हैं? नहीं। रुद्रलोक स्थिता रुद्रलोक में भगवान शंकर बैठे हैं वे कह सकते हैं? नहीं। अन्य मम भक्ता बहवः सन्ति परतेपि मम लीला न जानन्ति मेरे बहुत सारे भक्त हैं पर वो भी वो लीला को नहीं जानते फिर कौन जानते हैं? आप लोग ध्यान से सुनिए केवलम राधिका पदरसे मनोमज्जतु ते भी जानन्ति नान्ये। जिन्होंने श्री राधा रानी के चरण कमल में जिन्होंने श्री राधा रानी को प्रणाम करके उनके चरण कमलों की भक्ति करी है केवल वो जानते हैं और कोई नहीं जानता। बोले श्री राधा रानी की केवल हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम उस संप्रदाय में आए हैं जो श्री राधा प्रधान संप्रदाय है। देखिए भगवान की कथा सबसे अच्छी श्री राधा रानी कहती है बहुत सुंदर कथा है। एक बार क्या हुआ श्री भगवान को पता चला श्री भगवान को वृंदावन में पता चला कि स्वामिनी श्री राधा रानी मेरी कथा कहती है सारी गोपियों को बिठा करके मेरी कथा कहती है। वो सुनने के लिए आतुर हुए क्योंकि गोविंद शब्द में भी जो गोविंद उसमें जो भी शब्द का अर्थ है वो है विरधि लाभे जिसको अपनी ही कथा सुनना प्रिय लगे उसे गोविंद कहते हैं। तो इसलिए श्री भगवान ने क्या किया स्वयं ऐसा श्रृंगार किया सखी भाव से साक्षात बड़ी बड़ी अप्सराओं को लज्जित कर देने वाला श्री भगवान ने दिव्य कटी और धूनी पर सुशोभित करी दिव्य नैनों के दिव्य कटाक्षों का उन्मेलन करते हुए जब श्री गोविंद चले तो कटी किंकड़ी कुरन करते हुए हाव भावों को प्रकट करते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए इतलाते हुए श्री गोविंद चले। जैसे श्री गोविंद चले आकाश में समस्त वृंदावन के समस्त वीथियों में समस्त पुष्पों का अभिषिंचन हो रहा है। श्री भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं कि बड़ी बड़ी
वो मोहिनी अवतार से भी उत्तम मोहिनी अवस्था में श्री भगवान चले और जाकर के श्री राधा रानी से कहा, हे राधा रानी कुछ श्री भगवान के विषय में बताओ। राधा रानी बोली, अरे सखी बैठ। तो राधा रानी ने कहा, बहुत सुंदर कथा कही। श्री राधा रानी ने प्रत्येक दिवस की कथा श्री भगवान को कही, सुबह सुबह से लेकर के कैसे भगवान मैया चलाते हैं, कैसे भगवान कैसे भोग लगाते हैं और अंत तक आखिरी सांझ तक कैसे भगवान शयन करते हैं। बहुत सुंदर। नैनों में नींद भर आई जी बिहारी जी के, नैनों में नींद भर आई जी बिहारी जी के, कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन बिहारी जी को दूध पिलावे, कौन खिलावे माखन मिश्री जी बिहारी जी को, नैनों में नींद भरी आई श्री बिहारी जी को, यशोदा बिहारी जी को दूध पिलाए, राधा खिलाए माखन मिश्री जी बिहारी जी को, नैनों में नींद भर आई जी बिहारी जी। रात तक की अवस्था, ये समस्त शयन पर्यंत तक श्री भगवान का समस्त चरित्र श्री राधा रानी ने बखान किया। सुनकर के श्री गोविंद एकदम से आह्लादित हो गए, मन में भाव आया, अरे श्री मेरे रस की प्रधानता ये है, मैं इस रस का हूँ, अरे मेरे दिव्य स्वरूप का वर्णन श्री राधा रानी कितने सुंदर प्रकार से कर रहे। भगवान मूर्छित होकर के, हे राधे वृषभानुरूप तनयो, हे पूर्ण चंद्रानवे, हे कांति कमनीय गोकुल रवि वृंदावनेश्वरी। साक्षात भगवान सुनते ही मूर्छित हो जाते हैं, जो हम लोग अब श्रवण कर रहे हैं कथा। और यही कारण है भगवान अपने ही रस का स्वादन करने के लिए, ये सामने दिख रहे हैं जो हमारे गौड़िया के हेड हैं, ये देखो शिव चैतन्य महाप्रभु, इनका अवतार हुआ। बहुत सुंदर। निरख निरख अनुराग अलौकिक, निरख निरख अनुराग अलौकिक, प्रीति रीति गोपी जन की, मन में आई राधा ही रस महाभाव आस्वादन की, पुनियाई श्रुति सब पुराण कली केवल संकीर्तन ही, महाप्रभु प्रगटे बंगाल में जय 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 कली मल की, हरि बोल बोल कर बोल बोल हरि बोल बोल कर बोल बोल कर, नैना नीर प्रवाहे तजी श्याम वरण मन हरण भये तन, गौर मुरली वाले क्या सोच रचा यहाँ चरित चपल चित चोर, मुरली वाले तजी श्याम वरण मन हरण भये तन, गौर मुरली वाले। बक्सर वाले महाराज जी की रचना है, श्री चैतन्य महाप्रभु। आप लोग को एक कथा सुनाता हूँ, मैंने पहले भी सुनाई है, श्री राधा रानी की। बरसाने में एक संत हुए हैं, बरसाने में एक व्यक्ति थे, एक सेठ जी थे। तो उनको क्या था, उनके पुत्र थे, तीन पुत्र थे, तीन पुत्रों के घर में तीन बहुएं थी, उनकी बहू का देहांत हो चुका था। तो उनको एक मन में पीड़ा थी कि मेरे यहाँ बेटी नहीं है, क्योंकि महाराज जी का आदेश हुआ है कि मैं यहाँ बताऊं, और ये अत्यंत सरस कथा है। तो उनके मन में यहाँ बड़ा दर्द था कि मेरे यहाँ बेटी नहीं है। एक दिन उनके घर में संत पहुंचे, जैसे संत पहुंचे उस सेठ जी ने अपना दुख गाया और कहा, हे संत भगवान मेरे घर में बेटी नहीं है। वो रोने लग गया संत के चरण में पड़कर। संत ने कहा, सुना हूं सेठ तुमको मिलो बरसाने को वास,
बरसाना के वासी हो, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? साक्षात किशोरी ठकुरानी को अपनी बेटी मान लो। तो संत कृपा करके चले गए सेठ जी पे। उन्होंने श्री राधा रानी का सुंदर चित्र मंगवाया और अपने कमरे में उसको शोभित किया। जैसे ही दुकान से आता, साक्षात भोजन पाने के उपरांत श्री राधा रानी को भोग लगाता और गुणगाता उनके, हमारी राधे रानी रसिली खानी, हमारी राधे रानी रसिली खानी, रस की खान है ना, हमारी राधे रानी रस की खानी, वेद और पुराण जाके महिमा बखानी, मजदूरी होती थी वो दुकान पे जाकर के लेती थी। तो मनिहारिन आई, आते ही सेठ जी के घर पे तीनों की तीनों उनकी बहुएं आई चूड़ी पहनने के लिए। पहली बहू ने हाथ बढ़ाया आगे, बढ़ाने के बाद पहना दी चूड़ी, उसके बाद दूसरी बहू ने हाथ बढ़ाया, फिर तीसरी बहू ने हाथ बढ़ाया, तीनों ने पहन दी। लेकिन ये क्या, एक छोटा सा हाथ आगे आया, छोटा सा हाथ आगे आया। मनिहारिन चक्कर में पड़ गए, भैया पहले चौथो तो नाये देखे हो, तो पहले चौथा तो कोई था ही नहीं। फिर उसे लगा मुझे क्या भाई कोई होगा इनके घर में आया होगा, तो उसको चूड़ी पहना दी। अब वो सेठ जी के पास गई वहां दुकान पे, और जाने के बाद सेठ जी से कहा भाई मजदूरी तो दो। अच्छा तो चूड़िया बना करके आई बहुओं को? हाँ चूड़िया बना करके आया हूँ। ले तो भाई ले, आज चार की मजदूरी लूंगी। क्यों चार? कौन, हमारे तो घर में तीन ही चूड़िया पहनने वाली है। तो उसने कहा अरे मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, चार है तो चार ही बोलूंगी ना। तो सेठ जी बोला देख ऐसे नहीं दूंगा, तेरे को पैसे चाहिए तो वैसे ही ले ले, लेकिन झूठ मत बोल। उसने कहा अरे मैं झूठ नहीं बोल रही, बोले तो फिर आज नहीं दूंगा, तेरी मजदूरी मैं तेरे को कल दूंगा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं कल दे देना। गया सेठ अपने घर पे, सेठ जी घर पे पहुंचे, घर पे पहुंचने के उपरांत वहां पूछा उनसे अपनी बहुओं अपने बेटों की जो बहुएं थी उनसे पूछा क्यों भैया क्यों भाई चूड़ी पहनी थी? हाँ पिताजी पहनी थी चूड़ी। अच्छा किस किस ने? हम तीन ही तो थे और कौन था पहनने वाला? हम तीनों ने पहनी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। भोजन आया आने के बाद थक उस सेठ जी ने श्री राधा रानी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद फिर सो गया। जैसे ही सोया सपने में साक्षात वृषभानुनंदिनी राधा रानी प्रकट हुई। सपने में प्रकट हो वृषभानु की दुलारी बोलनी, तनया बनायो तात नात ना निभायो है। अरे बेटी तो बना लिया तूने, नाता नहीं निभा पाया। वो एकदम से चक्कर में पड़ गया सेठ जी, एकदम से उठा क्या हुआ राधा रानी क्या हुआ? बोली चूड़ी पहन लीनी मैंने, जान पितु के काले, पर आप मनिहारिन को मोल ना चुका रहे। अरे अपने पिता का घर समझ करके मैंने चूड़ी पहन ली और आपने उस मनिहारिन का मोल नहीं चुकाया। सेठ जी बिल्कुल चौंक गया, पागल सा हो गया। वहां पर एकदम से बोला राधा रानी बेटी मुझसे गलती हो गई मैं भूल गया था। भूल गए थे तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। अरे तीन बहुएं तो याद रही, बेटी नहीं याद रही। कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है। राधा रानी रोने लग गई जोर जोर से, अरे कैसी भई
दूरी, कहो कौन मजबूरी है, आज चार चूड़ी काल मोही बिसरायो है। आज चार चूड़ी भूल के अंकल तो तू मुझे ही भूल जाएगा। वो एकदम से पागल सा हो गया, बिल्कुल सो नहीं पाया। सुबह प्रातः हुई, वो उठा, अपने बिस्तर से उठा। उठने के बाद रात का पूरा नजारा उसके दिमाग में था। और पहले तो अपने जल्दी से स्नान करके अपना कुर्ता डाला, उसमें पैसे डाला। पैसे डालने के बाद भागा मनिहारिन की गली में। सामने मनिहारिन थी, खड़ी थी, वो चौंकते सेठ जी सुबह सुबह कैसे आ गया। सेठ जी जाते ही पैरों में पड़ गया मनिहारिन के। अरे मनिहारिन धन धन भागते रहो, मनिहारिन धन धन भागते रहो मनिहारिन। तेरा भाग्य कैसे सराहू मनिहारिन, क्यों क्या हुआ। चूड़ी पहन ली तब करते श्री वृष भानु दुलारी, धन धन भागते रहो मनिहारिन। अरे उस प्यारे से हाथ को पकड़ के उसके अंदर तूने चूड़िया घुसाई और चूड़िया पहनाई, तेरा कितना सौभाग्य है। कैसी प्रतीति हुई होगी तेरे को, जिस कर का स्पर्श, जिस कर की छत्र छाया पाने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मा रुद्र शुक नारद भीष्म इत्यादि समस्त न्याय तर्कों का प्रतिपादन संपादन करने वाले योगिंद्र मुनिंद्र कविंद्र इंद्र चंद्र कुबेर वरुण इत्यादि कतारों में खड़े रहते हैं जिनकी कृपा पाने के लिए, वो हाथ तूने पकड़ करके और उसमें चूड़ियां पहनाई। अरे वो हाथ जिसकी कृपा पाने के लिए साक्षात श्री गोविंद उज्जवल नीलमणि वो सॉरी श्री राधा रस सुधानी जी देखे तो साक्षात गोविंद कृपा की याचना करते हैं, चरणों में पड़ते हैं। राधे वृषभानु भूप तनयो, हे पूर्ण चंद्रा नवे, हे कांति कमनीय गोकुल रवे, वृंदावनी ईश्वरी कृपा करो मुझ पर कृपा करो। आज उस हाथ को लेकर के तूने उसमें चूड़ियां पहनाई, अरे कितना सौभाग्य है तेरा, कितना सौभाग्य है। वाह वाह मनिहारिन वाह वाह। अरे ये पैसे तो क्या, मैं अपने जन्म जन्म की सारी संपत्ति तुझे दे दूं, ऐसा मेरा मन कर रहा है। वह मनिहारिन चौकी, वो साक्षात राधा रानी थी, उसके नैन भर आए मनिहारिन के, वो एकदम से पुलक शरीर हो गया, नैन भर आए उसके। ओहो वो साक्षात राधा रानी थी। तो अब मैं इन पैसों का क्या करूं लेके। अरे ले ले तेरे ही है ले ले। अरे कैसे ले लूं, जब मोहि मिलो अमोल धन तो अब काहे को मोल रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। ये सब की सच्ची घटना है, ये बरसाना की सच्ची घटना है। आप लोग सब भगवान का नाम लीजिए। राधा रानी की श्रीमती प्रसवान राज देखो प्रभु जी ने बड़ी कथा प्यारी राधा रानी कथा सुनाई, लेकिन जितने राधा रानी की भक्ति जितना आसानी है हमारे गोस्वामी बैठो, इसलिए इसके श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जिनकी चरण ब्रह्म स्वराज सुगुरु पदारविंद, ब्रह्मा जी भी जिनकी चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाए, शंकर भी नहीं कर पाए, ऋषि मुनि नहीं पर कर पाए, कभी कभी राधा जी की चरण कृष्ण बांके बिहारी को भी नहीं मिलते। अगर राधा रानी कभी मानी नहीं होकर बैठ जाए ना, बोले आज मैं किसी ताले व्यक्ति को देखना नहीं चाहता हूँ, आज कोई ताले व्यक्ति को अंदर मत करना। और कृष्ण जो है स्वयं आते हैं, इनकी सखियों को चरण में गिड़गिड़ाते हैं, श्री किशोर जी के दर्शन कराते, लेकिन उनको भगा देते हैं। इसलिए कभी कभी बांके बिहारी के लिए ना राधा जी की चरण कभी कभी दुर्लभ हो जाता है, लेकिन अभी वो दुर्लभ भक्ति को कैसे प्राप्त करेंगे, इसलिए उसको प्राप्त करने के लिए गला में कंठी पहनना पड़ेगा, तिलक लगाना पड़ेगा और भगवान के नाम जप करना पड़ेगा। ये तीन चीज जरूरी होनी चाहिए। केवल राधा रानी बोलने से नहीं होगा, उसके लिए पाने के लिए तो कुछ चेष्टा करना पड़ेगा ना। अगर चेष्टा नहीं करोगे तो फिर मिलेंगे कैसे। अभी दो चार मिनट में कंठी तिलक के बारे में थोड़ा बता रहे जयपुर। हरे कृष्णा
महाराज जी ने अभी बताया जैसा एक कंठी और तिलक के विषय में आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो तुलसी जी है ये साधारण नहीं है, ये कंठी जो हम लोगों ने धारण करी है यह साधारण कंठी नहीं है। रास पंचाध्याय में भागवत जी के साक्षात गोपियां कह रही है तुलसी जी को, कच्छिद तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहित्वालय कुलय विप्रद कृष्ण प्रियच्युत। हे तुलसी कल्याणी, इसको कल्याणी शब्द कहा है, ये कल्याण करने वाली है तुलसी जी। जो तुलसी जी की शरण में जाएगा उसका कल्याण निश्चित है। आप जो भी मांगना चाहेंगे, आपकी जो इच्छा है, साक्षात भक्ति महारानी साक्षात तुलसी देवी आपको वो दे देती है। हमारे मठ में आरती होती है तुलसी जी की, जब जाते हैं जे तुमार शरण लोए कार वांछा पूर्ण होए कृपा कोई करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियसी तुलसी कृष्णा प्रियसी नमो। ये तुलसी जी के शरण में जाने से आपकी सारी वांछाएं पूर्ण हो जाएंगी। ये साक्षात भगवान, देखो शास्त्र में बताया है श्री स्कंद पुराण का श्लोक, यत कंठे तुलसी नास्ति, जिनके कंठ में तुलसी नहीं है, यत कंठे तुलसी नास्ति तेन राह मूढ़ मानसाह श्रुणोति निष्ठां समं चान्नम और जलम च मदिरा समम। जिनके कंठ में तुलसी नहीं है वे मूढ़ मनुष्य हैं, उनके द्वारा छुआ हुआ अन्न स्वान विष्ठा के समान है, और हमारी तुम्हारी भाषा में बोलूं तो कुत्ते की पॉटी के समान है। उनके द्वारा छुआ हुआ जल, उनके द्वारा छुआ हुआ जल जो है वो मदिरा के तुल्य है, शराब के तुल्य है। इसलिए हमारे नियम है जब कोई व्यक्ति, जैसे हम ठाकुर को भोग लगाते हैं, अगर तुम्हारी गला में तुलसी नहीं तो कोई चीज छूने का तुम लायक नहीं, कोई भी चीज को आप छू नहीं सकते। छुआ तो श्लोक कह रहे ना, वो मदिरा और अपवित्र काटी के साथ हो गया। आप ठाकुर को भोग नहीं लगा सकते हो, ऐसे नहीं ठाकुर थोड़ी भूखे तुम्हारे हाथ से खाना खा लेंगे। इसलिए जब हम गुरु जी को पास में आते हैं सबसे पहले गुरु जी हमें तुलसी कंठी देते हैं। तुलसी कंठी पहनने पर जैसे ठाकुर को जितने भोग लगा दो, अगर उसमें तुलसी माला नहीं दिया, तुलसी पता नहीं दिया ना, बोले छापा न भोग छत्री से बैठ गया है, बिना तुलसी प्रभु एक नहीं मानी, ठाकुर कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मैं शरीर जिस चीज में ताती पेशा खून पी अंदर में कुछ है नहीं, इसका पेट मार कर रख दो तो भाग जाएगी यहाँ से, लेकिन ऊपर से भी चमड़ा कटा हुआ इसलिए प्यारी लग रही है। इसलिए जिनकी गले में तुलसी कंठी नहीं, शास्त्र उसको गाली देता है, मूर्ख है वो, बेतुका आदमी है। इसलिए उसका वस्तु अगर छू लिया तो वो नष्ट हो गया है वस्तु। जैसे सबसे पहले अगर ठाकुर को सेवा करना चाहते हो पहले तुलसी गले में पहनो, क्या करो तुलसी गले में। कुछ लोग भक्त लोग तो आए गले में तुलसी कट्टे पहने थे, गुरुदेव गए ना तो उतर कर रही थी, बोले नहीं हमें सहाय नहीं होता, लेकिन सोने की चैन पहन रहे, सोने के चेहरे में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गले में कंठी मतलब क्या, पापी है ना, इसलिए सहन नहीं हो रही। वो पापी व्यक्ति है तभी गले में क्या तुलसी कंठी, उसको सहन नहीं हो रही। इसलिए जोर जबरदस्ती गला में कंठी पहनो, ठीक है ना, फालतू मत बना करो, क्या बनो फालतू, गले में कंठी हो तो ठाकुर को फालतू नहीं तो फालतू कुत्ते। इसलिए इसको सरकार ऑर्डर देगा और बंदूक मार करके लेकर शेर को सामने फेंक देंगे। इसलिए गले में तुलसी कंठी उसमें आप पाएंगे कि एक तुलसी के अंदर जैसे सेल से हम लोगों का पूरा बना है, सेल क्या है, सेल बॉडी स्ट्रक्चर ब्रिक्स पार्ट होता है सेल, है ना, उससे टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ये तो पता ही है। देखो
अगर हम लोग मेडिकेटेड की बात करें तो तुलसी के अंदर एक फ्लोकेंस नाम का एक मटेरियल होता है, फ्लोकेंस आप लोग इंटरनेट पे भी स्टडी कर सकते हैं। फ्लोकेंस वो क्या करता है, ये तो साधारण बात है कि हम लोगों का मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, ये तो सब साधारण बातें हैं, ये आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों के शरीर में किसी ऐसे पदार्थ का प्रवेश हो गया जिसके कारण बड़ी बीमारी का होना संभवता हो, संभवता वहां हो सकती है, तो वो फ्लोकेंट जो है वो उसको इरेज करता है, और जब इरेज करता है तो बायोलॉजिकली साइंटिफिकली दैट इरेज कम्स फ्रॉम योर स्वेट, वो हमारे पसीने के द्वारा निकलता है। यह बात ये नहीं होगी, आपने सुनी नहीं होगी, लेकिन आप कभी भी स्टडी कर लेना फ्लोकेंट्स के बारे में जो तुलसी जी में पाया जाता है। मेडिकेटेड इन्फेक्शन है, और मैं तो यूं कहूंगा तुलसी जी के लिए हम लोग कंपैरेटिव टिकरी क्यों लगाए, सीधा सुपर लेके टिकरी लगा देते हैं। सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट है तुलसी जी, 5 पत्ते रोज तुलसी के लिए, सब आप सुन चुके हैं, इसको बताने की कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन बहुत सारे इफेक्ट है। देखो जैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर कोई बिल्ली आए हमारे घर में और वो जननी बनने वाली हो, ठीक है, वो प्रसव पीड़ा में और प्रसव उसका होने वाला हो, तो क्या करो, अगर आप लोग नहीं चाहते कि बिल्ली हमारे घर में बच्चे दे तो सब जगह गुलाब रख दो, गुलाब रोज फ्लावर, उसको रखते ही बिल्ली को स्वाभाविकली स्वभाव से ही, मतलब नेचुरली स्वभाव से ही उसको गुलाब से गिनने बहुत गिन है, तो यदि गुलाब रखे रहेंगे तो पक्की बात है वो वहां प्रसन्न नहीं होगा उसका, वो कहीं और जाके देंगे। ऐसे ही फ्लोकेंट्स के बारे में आपको बता ही दिया, आप इसको स्पिरिचुअली समझो, अरे अगर माया ने ढेर भी लिया तो तुलसी जी भी ऐसे ऐसे वो गुलाब की तरह काम करेगी कि उस माया के होते हुए जो इफेक्ट होंगे, जो उनसे जो और ज्यादा इफेक्शुअल इफेक्शन होंगे, अफेक्शन होंगे, इनफेक्शन होंगे, क्रिएशन में एरेटिक होगा, वो सब कुछ सब समाप्त हो जाएगा। अब तुलसी की यहाँ पे होगी, एक श्लोक तिलक के लिए बोल देता हूँ, फिर उसके बाद राधे राधे। देखो तिलक जो है हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग के तिलक का नाम है ऊर्ध पुंड, पद्म पुराण में श्लोक है, ऊर्ध पुंड्रो धरोर मर्त्योर, ऊर्ध पुंड्रो धरोर मर्त्योर स्प्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाको विमानस्व मम लोके महीयते। उसमें लिखा हुआ है यदि देखो मृत्यु का समय निश्चित नहीं है, ना स्थान निश्चित है, कब लुढ़क जाए पता नहीं। आप पीछे न्यूज देखी थी ना, चलते चलते ही हो गया, मेरा एक फ्रेंड है वो 28 ईयर्स का था, 3 छींक मात्र आई उसको, उसका नमो राधेराय हो गया, जय श्री सीताराम हो गया। तो कहने का मतलब है सब पता नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए, यदि मरते हुए मस्तक पर तिलक होगा तो पक्की गारंटी है नर्क नहीं जाओगे, बिल्कुल नर्क नहीं जाओगे, क्योंकि भगवान का वचन है मरते वक्त जिसके जिसके मस्तक पर तिलक होगा ममलोके महीयते, और मेरा विमान आएगा और ममलोके महीयते मेरे धाम को प्राप्त होगा। ये है तिलक की महिमा, सबसे बड़ी तिलक अरुमाला, सबसे बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रही गोपाला, दूध साटी जो संत ही मारे, तिनको चक्र सुदर्शन जारे, सबसे बड़ी तिलक अरुमाला, सदा सहाय रहे गोपाला। तिलक सब प्यार से समझ में आ गया होगा, समझाने की जरूरत नहीं, तिलक और माला सबसे बड़ी है, और इसके होने पर श्री गोपाल सहायता करेंगे सभी शब्दों के साथ। देखना भगवान बाकी भी है, कई भी तस्वीर होगा ना, तिलक भगवान राम को देखो तिलक, भगवान नारायण को कभी देखना उनका आधा मुंह तो तिलक में रखा हुआ, हनुमान जी को कहीं देखो तिलक, गणेश जी को कहीं देखो तिलक, इंद्र चंद्र वायु वरुण ब्रह्मा सरस्वती सबको देखो ललाट में तिलक है,
जैसे माताएं सिंदूर लगाती हो, मांग भरती हो, ये जगत का पति शरीर के लिए पति के लिए, लेकिन आत्मा के पति के लिए क्या करते हो? तुम लोग तो घर में रहते हो, शर्म का कोई बात नहीं है, शर्म का कोई बात नहीं। अभी तो सारे गरीबवासी सब देखो तिलक तिलक लगाकर बैठे, इसलिए शर्म नहीं करना। देखो ये बच्चा पढ़ाई भी करता है, देखो तिलक लगाए कि नहीं, अब बता रहे ना इंजीनियरिंग किया और उसमें अच्छी 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 क्वालिफिकेशन मैंने प्राप्त किया है, पढ़ाई अच्छी किया, देखो गला में कंठी और तिलक लगाए। और हम घर में घर का काम करते हैं, ये गले ही जाता है और तिलक बैठता है, और हम घर में काम करते तिलक लगाने के लिए शर्म लगता है। हम नहीं, शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्म तो किसी गंदी चीज के लिए शर्म करनी चाहिए, अच्छी चीज के लिए हमें शर्म नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए तिलक कंठी माला पहनो। हाँ देखो कुछ कुछ भक्त लोगों को मैं जानता हूँ, गुरु जी से तो गला में कंठी ले लिए, बस गुरु जी गए, बस भक्ति रखी गई, गला से कंठी उतार दी, लेकिन सोने का चैन नहीं उतार। आज कथा जब समाप्त होगी, जिन लोगों ने पहले कंठी लिए हो, जो प्याज लहसुन नहीं खाते, आप लोग मैंने कंठी लाया हूँ, आप लोग कथा के बाद में कंठी ले लेना। और जो एकादशी व्रत रखते हो, हैं कल तो एकादशी की बहुत कथा सुनाए, एकादशी कब करोगे, कब व्रत खोलोगे, एकादशी का किताब है, कथा के बाद में मेरे से एकादशी किताब और तुलसी माला ले लेना। और जिसको इच्छा होगी हम माला जप करेंगे, आप उनकी माला जप करेंगे। कल चार गोवों की कथा सुना रहे थे ना, किसको किसको याद है, याद है ना। पहला बहू ये शरीर जो वहीं के वहीं रह गई, दूसरा बहू पैसा, कहते मैं दूसरे से शादी कर लूंगी, मतलब क्या शरीर छूटते ही पैसा दूसरे के नाम पर चली गई। तीसरी बहू कौन थी, पत्नी, बोले कहाँ तक जाओगी, बोले दरवाजा तक, बोले आगे नहीं जा सकती हूँ। लेकिन जो चौथी बहू थी जिसको राजा कभी भी ध्यान नहीं दिया, कभी उसको पूछा नहीं साड़ी साबुन तेल तुम्हारे पास में ही नहीं, जिसको जीवन में सबसे निगलेट की, लास्ट में वही बहू जाने के लिए दिया गई थी, वो बहू कौन थी, बोले कौन थी, भगवान के नाम, भगवान की भक्ति, बोले तो हरिनाम को बोले बेकार है, जिसको पास में कोई काम धाम नहीं ना, वही सब माला लेकर हरे कृष्ण करते हैं। हमारे पास में बहुत सारे काम है भैया, जितने काम क्यों नहीं हो, अंतिम समय में क्या बोलते बोलते ले जाएंगे, हाँ यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है, सब कोई बार झूठा है। बोले इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी अभी तेरे साथ में नहीं जा रही है, जितने प्रभु का नाम जप दिया, इसलिए पाए जिन्होंने राम रतन धन पाए। जिसकी लास्ट में इच्छा होगी यहाँ से एक एक माला ले जाना, जो कंठी जो पहले लेकर के उतार दिए हो कंठी ले जाना, और एकादशी की पत्रिका लाया हूँ, और पूरा परिवार में सब लोग एक एक मत लो, जैसे एक परिवार में एक एक ले लो, क्योंकि उतना मेरे पास में ग्रंथ नहीं, जैसे एक परिवार में एक एक पुस्तक ले जाना, जिसको एकादशी का दूसरे दिन कैसे व्रत फल को चाहिए उसमें सब वर्णना की गई, ठीक है। बोले अभी श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे, बोले श्री गिरिराज बाबा की, अरे जोर से कर दो, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय, जय श्री राधे। चाचा जी प्रभु जी आपका नाम अनाउंस कर देता हूँ अभी, देखो देखो ये जो कथा है, ये जो कथा है सब आप लोगों की सहायता से हुए, कोई तन से सेवा की, कोई मन से, कोई धन से आप लोगों ने सेवा की, तभी इतना बढ़िया बढ़िया रोज आपको प्रसाद मिल रहा है, और यहाँ अच्छे तरह से बैठने के लिए सब हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों की सहायता से ही ये कथा हुई। और भागवत में बताए कि ये भागवत कथा में अगर कोई एक अन्न का दाना भी दे दिया, भगवान खुद कहते हैं किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र के अभाव नहीं पड़ेगी, उसको घर में माँ लक्ष्मी, भरपूर माँ लक्ष्मी घर में रहेंगी। और श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित ये भागवत कथा की इतनी महिमा, जब श्री चतुष्ण कथा कर रहे थे स्वर्ग से, देवता लोग भी प्रसन्न हुए, स्वर्ग से पाइजा पुष्पों की बौछारगी, दुंदु भी नागड़ा बजाए, मृदंग बजाए, बोले क्यों, बोले जहाँ पर ये भागवत कथा हो देवता लोग भी प्रसन्न हो जाए, और जहाँ पर भागवत कथा हो जितने पुण्य तीर्थ नदी सबके सब वहीं पर आकर के, ऋषि मुनि देवर्षि ब्रह्मर्षि सबके सब वहीं पर आकर के
ये भागवत कथा श्रवण करते हैं। इसलिए सुत गोस्वामी कहते परीक्षित बोले श्रुत अनुपठित ध्यास आदित व अनुमोदित। अगर कहीं कथा हो रही है सुनो अच्छी बात, पढ़ो अच्छी बात, अगर कुछ भी नहीं कर पाए, अगर इतनी सी बात बोल दिए भागवत कथा हो रही है बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी सी कोई बात कर दिए ना बोले सत्यम नाति सद्धर्मम, वो व्यक्ति जितने बड़े पापी क्यों नहीं हो, देवद्रोह विश्वद्रोह क्यों नहीं किया, सारे पाप से मुक्त होकर के भगवत चरण को प्राप्त करता है। इतने महिमा ये भागवत कथा की, इसलिए श्री व्यास देव की सारी ग्रंथों को रचना की शांति नहीं मिली, लेकिन जब भागवत लिख के शांति मिली। इसका मतलब है भागवत कथा से हमें शांति मिलती है, जीवन में सुख, घर में सुख शांति आती है। इसलिए आप लोगों ने सभी भक्तों ने सब कुछ ना कुछ मदद किए हैं, इसलिए हम लोग ने कुछ ना कुछ नाम को हमने लिए हैं है? अभी कुछ लोग कुछ विशेष विशेष सेवा की, मैं उन लोग भक्तों का नाम लूंगा, वो लोग इधर आए और उनके लिए हम लोगों ने इन लोगों ने फटों की व्यवस्था की है। यहाँ से वो तस्वीर ठाकुर जी लेकर के जाएंगे। अभी मैं इन लोगों का नाम को मैं ले रहा हूँ, जिनका नाम लूंगा अगर हुए वो आए, नहीं तो उनके घर में पत्नी नहीं तो बच्चे भी कोई होगा, आप लोग यहाँ आ सकते हो। और देखो और हरे कृष्णा, अभी जब नृत्य कर रहे थे ना, अभी एक माता जी को एक माला कहीं वहीं पर गिर गई और किसी भक्त ने वो माला को ले लिया, जिसने ले लिया उसको दे दो, वो माता जी बड़ी दुखी है, जिसको मिला दे देना नहीं तो पाप लगेगा भागवत कथा। और हरे कृष्ण, कल श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा आपकी शहर से निकलेगी, इसलिए जो रथ है वो शीतला मंदिर है ना, शीतला माता जी की मंदिर, वहीं से जगन्नाथ जी निकलेंगे। हम सोच रहे थे यहाँ निकलेंगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठाकुर जी यही तक आएंगे ना, यही तक आएंगे। हाँ, ठाकुर जी भ्रमण करते करते यही तक आएंगे। कल बढ़िया प्रसाद भी होता, शाही पनीर, मटर पनीर, और कल बढ़िया बढ़िया जगन्नाथ जी प्रसाद, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। वो शीतला मंदिर से जगन्नाथ जी की खीर भी है, इसलिए वहीं से शीतला मंदिर से जगन्नाथ जी आएंगे और आपकी गली की गली गली होते हुए और भगवान की कीर्तन करते हुए नाचते कूदते हुए, जैसे पिछली बार जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकला था, इस बार भी हम बड़े धूम भाव से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालेंगे। और आप लोग वहाँ एकदम 4:30 बजे आ जाना, कितने बजे आ जाओगे, 4:30 बजे आ जाओगे ना, फिर वहाँ मंदिर में थोड़ी समय बैठ जाना, होगा तो थोड़ी सी कथा सुन जाना, जब सभी भक्त लोग आ जाएंगे फिर हम वहीं से कीर्तन करते करते वहीं से प्रोसेस निकालेंगे और ठाकुर जी यही आएंगे
और यहीं पर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। इसलिए हाँ देखो ठाकुर जी जिनके घर के सामने होते हुए जाएंगे हम लोग ठाकुर जी को जरूर आदर उतारना, क्योंकि भगवान स्वयं देखो जगन्नाथ जी कैसे ठाकुर हैं। हम लोग भगवान को दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, लेकिन कल जगन्नाथ जी स्वयं सबको दर्शन करने के लिए मंदिर से निकल कर निकल करके ठाकुर जी आएंगे। ये ठाकुर बड़े दयालु ठाकुर हुए, इनकी बड़े बड़े आंख हैं, बड़ी बड़ी आंख हैं, जितने दूर तक उसको दृष्टि जाए जितने सारे अमंगल दुख कष्ट सब दूर हो जाता है। इसलिए आप लोग हर घर घर में ठाकुर जी को आरती उतारना, ठाकुर जी को अगर कहीं अगर कोई पानी पीना पानी पिलाना जो तुम देना चाहते हो दरवाजा के सामने आपकी इच्छा आप कर सकते हो। इन लोगों ने तो कई कई व्यवस्था किए हैं कहाँ पर पानी कहाँ पर जूस क्या देंगे, इसलिए आपकी मन आपकी इच्छा को पर निर्भर करता है। प्रभु जी कल कौन सा रूप जाएगी, कौन सा रूप है शीतला माता मंदिर से इस्कॉन, इस्कॉन से होते हुए यहाँ, इसलिए उधर कौन सा गली में जाएगी, हाँ बरात घर में घर को सामने जाएगी है। ये तो सोच रहे थे पूरा गली में घूमे, लेकिन किसी प्रभु की जो कैंसर रोग में शरीर छोड़े इसलिए इसी वजह से वो गली में हम होते हुए नहीं जाएंगे और दूसरी गली में होते हुए जाएंगे। इसलिए जिन लोग का इसलिए अभी 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 श्री गिरिराज खाते को और एक बात है, देखो इसी महीना की जो 7 तारीख को अक्षय तृतीया क्या है, अक्षय तृतीया, ये जो अक्षय तृतीया ये साल का पहला दिन है, उसी दिन ठाकुर जी विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि की थी। इसलिए जैसे आपको गृह प्रवेश करना जैसे शादी करना बच्चों को क्या करना पड़ता है कोई तिथि देखना पड़ता है, इतनी अक्षय तीज ऐसे के दिन है कोई तिथि देखने का जरूरत नहीं। कोई भी शुभ काम हो अगर आंख बंद करके कर दोगे ना उसका फल अक्षय फल होगा, वो जरूर वो काम में आपको सिद्धि मिलेगी। और उसी दिन हमारे जो गौड़िया बैठे ना उसी दिन ही हमारे जो बड़े गुरु जी वो मंदिर को स्थापन किया था जिसे दुनिया में कृष्ण भक्ति प्रचार हो और अभी भी वो स्रोत चल रही और सृष्टि उसी दिन बद्रीनाथ का द्वार उद्घाटन होगा। केवल साल में एक बार है वृंदावन में ठाकुर जी का जो चरण दर्शन केवल एक दिन है, केवल चरण नहीं ठाकुर जी का पूरा जो शरीर है वो साल में एक बार अक्षय तिथि को दर्शन होता और पूरा चंदन से बड़े सुंदर ठाकुर का श्रृंगार फूल की बंगला वृंदावन में उसी दिन जो कुछ करोगे ना सारा साल तुम्हारे फल अक्षय मिलेगा, सारा दिन फल बढ़िया जाएगा। इसलिए आप लोगों से मैं निमंत्रण देता हूँ आप लोग सबके सब 7 तारीख को सबके सब वृंदावन आना। अगर यहाँ से सवेर निकलोगे उसी दिन सवेर निकलो और उसी दिन वापस आ जाओ, और जो चाहता है वृंदावन एक दिन रुकोगे और भी थोड़ा मंदिर दर्शन करेंगे आप एक दिन पहले आ सकते हो, एक दिन पहले आओगे तो गाड़ी अंदर में चली जाएगी। इसलिए आप सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूँ हमारी श्री मंदिर की तरफ से, ठीक है। कौन कौन आएगा हाथ उठा घर भी हाथ नहीं उठा रहे, देखो भक्ति ऐसे की चीज है ना अगर भावना तुम्हारी ही तभी तो जाओगे, कहते ना एक कदम बढ़ा फिर मैं 10 कदम बढ़ाता हूँ, अगर तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी अभी घर में रहोगे, अगर इच्छा होगी ना ठाकुर बोले भैया इच्छा क्या ठीक है हम व्यवस्था कर देंगे, अगर इच्छा हो तब तो ठाकुर व्यवस्था करेंगे ना। बताओ शादी हो तो कितने किलोमीटर दूर जाते हो, कहते गुजर के लोग निकलते हैं सब निकलते हैं शादी में निकलते हैं पियर जाते हैं सब सब निकलते हैं। इसलिए सबके सबको मैं निमंत्रण देता हूँ। और एक बात है जैसे पहले मैंने बताया था ये 84 ब्रज मंडल परिक्रमा है, ये 84 क्रॉस ब्रज मंडल परिक्रमा जो एक बार करे और जो 84 लक्ष जन्म में जो जीव भटक रहे हैं उनका भटकना खत्म हो जाती है, उनको 84 लक्ष जन्म और भटकना नहीं पड़ता। और हमारे भारत में बहुत सारे तीर्थ है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अयोध्या द्वारावती केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री लक्ष्मण कितने सारे तीर्थ है, क्या कहें जीवन में जरूर एक बार तीर्थ करनी चाहिए, जरूर एक बार तीर्थ करनी चाहिए, लेकिन आपके लिए तो संभव है तीर्थ करना इतना अगर गुजर का लोग घर से तो निकल भी नहीं जिंदगी बीत गया घर नहीं,
लेकिन और एक उपाय है, जैसे कृष्ण जन्म लेने से पहले मैया जसोदा नंद बाबा ने संकल्प किया था, अगर मेरे घर में एक लाला की जन्म हो जाएगी हम पृथ्वी का सारे तीर्थ भ्रमण करेंगे। अभी कृष्ण जन्म हो, नंद बाबा निकले, कृष्ण बोले बाबा कहाँ जा रहे हो, बोले तेरे जन्म से पहले मैंने मनोज रखा था घर में लाला होगा ना, हम सारे तीर्थ जाएंगे, हम सारे तीर्थ जाने के लिए तैयार हैं। कृष्ण ने कहा पिताजी सारे तीर्थ तो ब्रजमंडल में, बोले कहाँ पर, बोले मेरे साथ में आओ ना। कृष्ण उनको कामदेव वन में लेकर गए, बोले सब सब तो आँख बंद करके सारे तीर्थों का स्मरण करो। जब उन्होंने आँख बंद करके सारे तीर्थों का स्मरण किया, पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वही पर प्रकट हुई सारे तीर्थ। अरे नंद बाबा मैया जसोदा ब्रजवासी सारे तीर्थ में स्नान किया, सारे तीर्थ किया। इसलिए हमारी मंदिर से हम लोग एक प्लान कर रहे हैं, अगर केवल 7 दिन निकालो, केवल 7 दिन पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है अगर ब्रजमंडल परिक्रमा कर ली, जितने कथा आप सुन रहे हो अब ब्रजमंडल परिक्रमा कर ली, सारे तीर्थ जाना हो जाता, सारे तीर्थ हो जाएगा। इसलिए आप लोग कौन कौन चाहते हो पृथ्वी का सारे तीर्थ 7 दिन में करोगे वृंदावन में? इसलिए देखो इनके लिए तो हम, अगर आप लोग प्रभु जी कह रहे हैं अगर वृंदावन में जैसे अक्षय तीज को जाना चाहोगे, प्रभु जी कह रहे हैं हम एक बस का व्यवस्था कर देंगे, एक ही बस की व्यवस्था कर देंगे, जो गाड़ी में फिर कम पैसा में हो जाएगा, कम पैसा में चली जाओगे और कम पैसा में भी वापस आ जाओ कहाँ अक्षय तृतीया को। अगर कोई 7 दिन में पूरा के पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहता हो, पर हम और भी बहुत आली गांव से कुछ भक्त लोग आएंगे, और भी कुछ कुछ भक्त लोग आएंगे, सबको लेकर के हम श्री 84 ब्रजमंडल परिक्रमा करेंगे। जिनकी इच्छा हुई कि ना हम यहाँ पर श्री एक व्यक्ति को हम वो दायित्व दे देंगे जो संत का नाम ले। कालीन दीदी यहाँ पर है क्या? कालीन दीदी है, कालीन दीदी है क्या यहाँ पर? सीमा दीदी है, कालीन दीदी है कि नहीं? हाँ, ये अगर ये माता जी है ना, कालीन दीदी यहाँ नहीं है, क्या कर लेंगे? सरिता दीदी भी है, इसलिए अगर आप लोग इनको साथ में अगर ये करोगे ना, फिर ये सब आप लोगों का नाम लेके फिर आपको 7 दिन में पूरा आपको पृथ्वी का सारे तीर्थ करने का फल आपको 7 दिन में मिल जाएगी। ठीक है, अभी श्री गिरिराज की कथा सुनेंगे। अभी सभी को जो एक एक पत्र ले रहे हो आ रहे हैं, पर गिरिराज कथा के बाद में हम उनका नाम का अनाउंसमेंट करेंगे। ले आए पटो आ गई, बोले श्री गिरिराज महाराज की। गिरिराज ले आ जाओ, गिरिराज ले आओ, गिरिराज को लाकर यहीं पर रखो, दो कथा के बाद में फिर गिरिराज को ले आना। ठीक है, बोले श्री गिरिराज बाबा की। हाँ देखो ये गुजरों का देवता कौन है? श्री गिरिराज बाबा। कहते गिरिराज बाबा कौन? ये स्वयं कृष्ण, ये स्वयं भगवान कृष्ण, ये श्री गिरिराज बाबा है। बोले हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, बोले जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं ना, ठाकुर जी उनको पीछे 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 ठाकुर जी घूमते रहते हैं। इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा? जो मांगो गिरिराज से, बेटा बेटी नाती पोती बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर में कोई परेशानी, कोई भी चीज गिरिराज से प्रार्थना करो, गिरिराज सारी इच्छाओं को श्री गिरिराज बाबा पूरी कर देते हैं। यहाँ तक भी कृष्ण की इच्छा भी अगर कोई पूरी करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन है, बोले श्री गिरिराज महाराज। इसलिए भगवान जब ये दुनिया छोड़ करके चले गए, हमारे लिए केवल 3 चीज हमारे लिए छोड़ कर गए, वो 3 चीज क्या? पहला नंबर श्री गिरिराज बाबा, दूसरे चीज श्री यमुना महारानी, और जो तीसरी चीज है श्री ब्रज धाम। ये 3 वस्तु को कृष्ण छोड़ करके अपना धाम में गए जो हमारी कल्याण करते हैं। एक समय गोलोक वृंदावन में श्री श्याम सुंदर राधा रानी से पूछे, हे राधे मैं ये मर्त्य जगत में लीला करना चाहता हूँ, मेरे साथ में चलोगी? राधा रानी बोले मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले जहाँ पर गिरिराज नहीं, जहाँ पर यमुना पटराज नहीं, जहाँ पर नंदगांव बरसाना निधुवन निकुंजवन नहीं, मैं वहां पर जाना नहीं चाहता हूँ।
तब श्री कृष्ण बोले हे राधे, जब मैं ये गोलोक वृंदावन से उतरूंगा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, पूरा ये गोलोक वृंदावन जो देख रहे हो ये सबके सब में उतार दूंगा, ये नंदगांव गिरिराज गोवर्धन सबके सब चलेगा, तेरी पिता माता मेरी पिता माता बोले फिर तो मैं चलने वाली हूँ। इसलिए भगवान जब आए ये गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने गोलोक वृंदावन से उन्होंने यहाँ पर उन्होंने उतार दिया। दो मिनट हो जाएगा। इसलिए अभी से गिरिराज बड़े सुंदर गिरिराज बाबा बनाए, हम लोग लास्ट में गिरिराज की परिक्रमा करते हुए जाना, चार बार परिक्रमा लगाना, क्योंकि गिरिराज परिक्रमा करते हुए जो मांगोगे ना गिरिराज सो देते थे, जो मांगोगे गिरिराज से। इसलिए अभी एक दिन कृष्ण ने देखा मैया यशोदा रात भर लड्डू कचौड़ी मालपुआ बना रही थी, इतने में कृष्ण बोले मैया मैया रात भर ये कचौड़ी लड्डू मालपुआ क्यों बना रही हो, क्या कल मेरे जन्मतिथि? बोले नहीं, बोले दाऊ मैया का, बोले नहीं, बोले फिर आज इतने क्यों बना रही हो? बोले पिताजी को बोलो, बोले पिताजी को पूछो। कृष्ण जाकर के नंद बाबा की गोद में बैठ कर दाढ़ी पकड़ लिए, बोले बाबा बाबा मैया ये रात भर ये सब खाना क्यों बना रही है? बोले नाला हम इंद्र पूजा करेंगे। बोले पिताजी इंद्र कौन होता है? बोले स्वर्ग का राजा है, इनकी अधीन में मेघ है, हम सबके सब द्वार, हमारा जो मूल बहन है ये गैया, गैया दूध घास खाते हैं, इंद्र बारिश करने पर घास खाते हैं, गैया दूध देते हैं, दूध से ही फिर दही, दही से फिर मक्खन, मक्खन से फिर घी, फिर दूध से राबड़ी बनती है, दूध से मलाई, दूध से मिठाई, सब दूध, हर दूध ही हमारा मूल खाना है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो बुझे नहीं हो, पहले घर में गैया भैंस रहती थी, वो मट्ठा से ही रोटी, मट्ठा और अचार हो नहीं तो गुड़ हो उसी से ही, और मट्ठा ग्लास भी बस हो गया, नहीं तो मट्ठा मट्ठा में डालिया डाल करके, यही पहले यही चीज खाना थी, यही चीज सही चीज है, एकदम प्योर चीज होती थी, उसमें कोई मिलावट नहीं था। इसलिए चाउमीन के भाव में पिज्जा पास्ता ये सब तबियत खराब करने वाले ये सब चीज सही चीज नहीं है। इसलिए हम श्री इंद्र की पूजा करके, कृष्ण ने कहा पिताजी इंद्र को गांठ में से तो है नहीं, जब आप इंद्र को देखो ध्यान करके सुनो, ये कृष्णा कह रहे हैं किसको? बाबा को, बोले आप इंद्र पूजा कर रहे हो ना, इंद्र कौन है? स्वर्ग का राजा, और जितने देवता का मूल इंद्र, बोले पिताजी ये इंद्र का गांठ में कुछ है नहीं, जब आप इंद्र को कोई चीज प्रार्थना करोगे ना इंद्र आपको दे नहीं सकते, क्यों? उसको गांठ में कुछ है नहीं, वो किसको प्रार्थना करेगा? भगवान को। अगर भगवान के आदेश से हो फिर जाकर के इंद्र बारिश बरसाएगा, इसकी अपना गांठ में कुछ है ही नहीं। उसी तरह कहते हमारी ब्रज का देवता कौन, तुम्हारी गुजर का देवता कौन है? गिरिराज बाबा और मोहन बाबा, मोहन कौन है? कृष्ण ही, मोहन बाबा कौन है? कृष्ण ही ना, इसलिए उनका नाम मोहन, कृष्ण का अवतार आप लोग कहते हो, इसलिए गिरिराज बाबा तुम्हारी देवता है। बोले पिताजी ये जो गिरिराज गोवर्धन देख रहे हो ये पत्थर नहीं ये पहाड़ मत समझो, जितने दूध जितने घास गिरिराज में होता है और बारिश कब होता है, बड़ी गिरिराज ऊंचाई की मेघ आकर टकराता है, टकराने पर फिर बारिश होती है, झरना से हम पानी पीते हैं, और फल फूल कहाँ से मिलता है? गिरिराज बाबा से, सारे सब कुछ गिरिराज से ही मिलता है बाबा, और गो और गिरिराज और ब्राह्मण ये हमारी देवता पिताजी, आप श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो। बोले बाबा इंद्र को पूजा कब से कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले इंद्र को देखे हो खाए कभी? बोले नहीं। बोले बाबा जब ये गिरिराज को भोग लगाओगे ना इन्हीं आंखों से देखोगे साक्षात गिरिराज प्रकट होंगे, जो कुछ दोगे सब ग्रहण करेंगे। और बाबा देखो कृष्ण खुद कहते हैं ये गिरिराज की सेवा में एक अन्न का दाना अगर कोई भोग लगा दिया किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी कभी नहीं पड़ेगी, भगवान खुद कहते हैं घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। बोले पिताजी हमारा देवता श्री गिरिराज गोवर्धन साक्षात दर्शन करो। बोले बाबा इन्हीं आंखों से देवता दर्शन? बोले हाँ। बोले भैया हम तो नहीं देवता देखो ही ना। बोले भैया कल हम इंद्र पूजा नहीं किसकी पूजा करेंगे? बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोले ठिंडरा पिटवा दो कल श्री इंद्र पूजा नहीं श्री गिरिराज
गोवर्धन की पूजा होगी। बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। जय ठीक ठाक नहीं बोले इतने जोर से जय तो जिस छत हो जाए जोर से बोलो जो जितने जोर से जय देगा ना गिरिराज तो उसको उतना ही जय होगा उतना पाप कटेगी और उतना पुण्य मिलेगी और उतना तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जोर से बोलो बोले श्री गिरिराज महाराज की। अभी लगा ही बेकार हरे कृष्ण। इसलिए सारे ब्रजवासी खुश हो गए। बोले देखो हम तो सोच रहे थे 1 किलो आटा का पूरी बनवाएंगे लेकिन गिरिराज के ताई ना 5 किलो आटा का पूरी बनवाएंगे। कोई 5 किलो हलवा बना रहे थे बोले नहीं 10 किलो हलवा बनवाएंगे। इसलिए जो जितना बना रहे थे ना डबल डबल बनाए। चार ही तरह का चावल लाए मीठा चावल फीका चावल नमकीन और बटर पनीर डाल करके पता नहीं तुम लोग कितने चावल लाए। 2 तरह का कढ़ी लाए एक सुहागिनी कढ़ी और एक रार कढ़ी। सुहागिनी कढ़ी जिसमें पकौड़ा डाल कर बनाते हो रार कढ़ी बगैर बगैर पकौड़े के जो रार कढ़ी बनती है। 2 तरह का चूरमा लाए बोले एक हंसना और एक रोना। हंसना मतलब पतलक रखते जो खिल जाए रोना मतलब जिसे घी टपकता है। और 5 तरह का दाल बनवाए उड़द की अरहर की छोले की मटर की हैं मूंग की 5 तरह का दाल बनवाए। इसलिए उसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्न मतलब अन्न कूट मतलब पर्वत रोटी की पर्वत जलेबी की पर्वत कचौड़ी की पर्वत मालपुआ की पर्वत अन्न की पर्वत। इसलिए उसका नाम अन्नकूट। और कितना गांव से लाए तीन सौ पंसठ गाँव से 365 गांव से लाए। और तरोली बरौली सही डीग ऊंचा गांव नीचा गांव अभी भी आओ ना ब्रज में अभी भी 365 गांव से लेगा। और कितनी सामान लाए पूरा जिला गोवर्धन कर दिया। भगवान कृष्ण अपना हाथों से पंचामृत के द्वारा उन्होंने गिरिराज का अभिषेक कृष्ण स्वयं अपना हाथ से किया। देखो ये गिरिराज बाबा कितने महिमा की सारा दुनिया बांके बिहारी की पूजा करता है लेकिन बांके बिहारी पूजा किसको की गिरिराज। सारा दुनिया बांके बिहारी की परिक्रमा करते हैं लेकिन बांके बिहारी किसको परिक्रमा की गिरिराज गोवर्धन है। गिरिराज तभी ये गिरिराज कितने प्रभाव है कितने प्रभाव गिरिराज की। भगवान स्वयं पंचामृत से गिरिराज अभिषेक किया। अभिषेक करके जितने खाना लाए थे ना जितने सारे खाने में तुलसी दल दे दिया तुलसी पता दे करके गिरिराज को उन्होंने स्वागत किया। गिरिराज को चरण में इधर देखो देखो एक चीज समझो अच्छी तरह समझो एक चीज को लेकर के जाना। जैसे किसी व्यक्ति को जैसे खाना देते हो कैसे देते हो पहले जब आएगा पहले उसको पैर धोते होगे ना उसको बाद में उसका हाथ धुलाते हो फिर उनको आसन देते हो फिर जाकर खाना देते हो। उसी तरह जब ठाकुर को भोग लगाओ कैसे भोग लगाओगे ऐसे नहीं ठाकुर को सामने प्लेट लेकर बैठ दिया जैसे हम कैसे खाते प्लेट रख करके आसन में बैठते कि नहीं। इसलिए ठाकुर के लिए एक छोटी सी आसन बनाना जिसमें ठाकुर जी खाना खाएंगे। इसलिए और एक पत्र मेरे तरफ में घर में जरूर ऐसे के पात्र रखना इसका नाम आचमनी पात्र पंच पात्र कहते हैं। उसमें पानी रखना पानी रख करके जिन लोगों ने हरिनाम मेरे से दीक्षा मंत्र लिए हो मैंने आप लोगों को मैंने सिखाया इसी को ऊपर हाथ रख करके 2 मंत्र बोलना गंगे जय जपने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु गावरी जल अश्विन सरस्वती। मतलब ये मंत्र बोलने पर इसमें 7 पवित्र नदी आ गए। ये पानी को अपना सर पर 3 बार छिड़काना क्योंकि ठाकुर का सेवा करोगे ना पवित्र होकर के। मतलब हम घर में बैठी बैठी करके हमने 3 बार सारे गंगा जमुना सरस्वती में स्नान कर लिया। और उसको बाद में आपको बताया आचमन माधव आय नमः के हाथ में पानी लेकर के माधव आय नमः केशव आय नमः नारायण इसको आचमन कहते हैं। उसको बाद में तिलक को स्थापन करते कितना चीज सीख करके जाओ जो मेरे पास में आए मैंने तो सिखाया पता नहीं क्या करते हुए नहीं ऐसे ललाट केशव आय नमः उदर नारायण भक्त माधव कठे गोविंद दक्षिण पर से विष्णु मधुसूदन त्रिविक्रम बामन धराय ऋषिकेश पद्मनाभ दामोदर। इसका मतलब हो गया पूरा शरीर में ठाकुर बैठ गए। देखो मैंने जो जो हरिनाम मेरे से लिए है सबको मैंने एक भी पेपर दिया इसको जरूर करना। ये गंदा कवच है जैसे करने का शरीर में कवच रहता था जब तक कवच रहेगा ना उसको कोई भी नहीं मार सकते हैं। इसलिए एक तरह का ये रक्षा कवच है। अगर आप इतना करते हुए कहीं बाहर जाओगे ना कोई हवा नहीं लगेगी डाकिनी साकिनी भूत पिशाच
कुछ भी तुम्हारी शरीर में असर नहीं करेगा। क्यों? तुम्हारी शरीर में भगवान की निवास है, ठाकुर की निवास करती है, कवच जैसे काम करेगा, इतने उसकी शक्ति। इसलिए इतनी सी काम जरूर करना, जैसे ठाकुर जी जैसे खाना खाएंगे इसमें पानी लेकर के, ठाकुर जी अगर फूल हो अच्छी बात है, जैसे किसका हाथ धोते हैं ठाकुर को प्लेट को पास में एक पानी दे देना, मतलब ठाकुर जी आप हाथ धो लो। फिर ठाकुर जी के चरण में अगर फूल हो तो अच्छी बात, आसन में एक फूल देकर ठाकुर जी आपके चरण में उन्हें फूल दिया, ठाकुर जी आपके चरण में फूल है दे करेंगे, फिर ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी आप कृपा करके जो दाल भात सब्जी हमने जो दिया है ठाकुर जी अभी खाना खाओ, और थोड़ा पानी लेकर के खाने के ऊपर पानी दे देना, जैसे खाने के लिए कितना समय 5-10 मिनट लगता है। फिर एक व्यक्ति जब खाना खाते हैं क्या करता, हाथ धो लेते हो, हाथ धोते कि नहीं, इधर देखो जैसे पानी लेकर के भावना करके ठाकुर जी थाला को पास में आप कृपा करके हाथ धो लो, ठाकुर जी का हाथ धुला देना, इतना तो करनी चाहिए। फिर वो प्रसाद वो गुरु जी को संतों को वैष्णव को देनी चाहिए, फिर पंचपात्र पानी लेकर गुरु जी आप भी लो, वृंदावन तुलसी आप भी लो, सखियां आप भी लो, भावना पूर्वक पानी देनी चाहिए नियम। और एक चीज समझो, जैसे ठाकुर जी का आरती उतार दो, इस चीज को अच्छे तरह से यहाँ से लेकर के जाओ लास्ट दिन में, ठाकुर जी को जैसे आरती उतारते हो सबसे पहले क्या देनी चाहिए, धूप। ठाकुर जी को धूप जला करके ठाकुर जी को ये धूप कहाँ तक दिखानी चाहिए, नाभि कमल से नीचे तक, उसको ऊपर धूप नहीं जानी चाहिए। उसको बाद में फिर दीप, बोले दीप जैसे आरती उतारना ऐसे ऐसे नहीं, उसका नियम है कैसे, पहले ठाकुर जी की चरण में 4 बार घुमाओ, कितना बार घुमाएंगे 4 बार, उनकी नाभि कमल से 2 बार, बोले मुखारविंद में 3 बार प्रदीप को, उसको बाद में पूरा शरीर में 7 बार ठाकुर जी चरण में प्रदीप को घुमानी चाहिए, याद रहेगा बता, चरण में कितना बार घुमानी चाहिए 4 बार, नाभि में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार, संपूर्ण शरीर में 7 बार। जैसे ठाकुर जी को आरती उतारे उनका नजर उतार, उसके बाद में फिर ठाकुर जी को मुंह धुलानी चाहिए, इसलिए शंख रखना छोटा के शंख, उसमें पानी दे कर ठाकुर जी आप कृपा करके आपका मुंह धुला। अभी जो व्यक्ति मुंह धुलने के बाद फिर मुंह पोछते कि नहीं, एक छोटी सी रुमाल रखना, रुमाल लेकर ठाकुर जी आप अभी मुंह को पोछ लो। फिर उसको बाद में चावल, देखो घर में जरूर चावल रखा करो, ठाकुर को जो झूला देना चावल व्यंजन कहते हैं, चावल होनी चाहिए, क्योंकि उसको जो हवा है ना बड़ा मीठी हवा है, ठाकुर जी को बड़ा अच्छा लगता है। उसको बाद में ठाकुर को मोर पंखा, मोर पंखा क्यों, मोर में से राधा रानी का नाम लिखा हुआ, मोर कौन है ये ब्रह्मचारी है, इसलिए मोर पंखा लेकर के ठाकुर के सामने दिखानी चाहिए, इसलिए इतना कम से कम करनी चाहिए, ठीक है ना। घर में मोर पंखा रख लेना और इधर चावल रख लेना, जैसे गर्मी समय आए जैसे ठाकुर को पंखा जलाने के लिए जैसे ना जो आरती होती है, हाँ रुक जा, इसलिए जैसे पंखा जलाते हैं ठाकुर जी को, इतना कम से कम ठाकुर जी को करनी चाहिए, ठीक है ना। फिर जो मैं अगली बार आऊंगा और कुछ बात बताऊंगा और आगे आगे क्या करोगे, इसलिए उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने आह्वान करके जब प्रसाद अर्पण की, साक्षात गिरिराज गोवर्धन प्रकट हुए, सारा दुनिया देख रहे थे, गिरिराज ने कहा देखो मैं स्वयं गिरिराज महाराज हूँ, बोले श्री गिरिराज बाबा की, देखो मैं स्वयं गिरिराज गोवर्धन हूँ, आज का दिन जो मेरी पूजा करेगी मेरे से जो कुछ मांगोगे, धन दौलत पुत्र परिवार दुनियादारी जो मांगोगे तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो जाएगी, और जो एक अन्न की दाना केवल मेरे सेवा में लगाया इसी जीवन में कभी घर में भूखे अन्न वस्त्र कभी नहीं होगी। और ब्रजवासियों ने, लेकिन वो ब्रजवासी, लेकिन उन लोगों ने क्या मांगा, बोले मेरे से जो कुछ इच्छा मांग लो, लेकिन वो ब्रजवासी है ना, बोले प्रभु हमारे कान्हा के ऊपर में बारंबार राक्षस लोग आकर के उत्पात करते हैं, विपत्ति आती है, इतना आशीर्वाद अगर हमारे लाला कन्या सही है, भगवान खुद को खुद आशीर्वाद दिए, और भगवान हाथ पसार पसार करके खा रहे थे, मिनट में सब कुछ खा लिए, बोले आनो रे और लाओ और लाओ और लाओ। ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब है, आप इतने में ही खुश रहो। फिर गिरिराज उन्होंने हाथ घुमा दिया, जो 1 किलो का बेसन का लड्डू लाएगा ना वो 2 किलो हो गया, जो 2 किलो का रसगुल्ला हो गया 4 किलो,
जो 5 किलो का लाए था सूजी की, क्या लाई थी हलवा लाई थी, हो गया 10 किलो। तो जितने जितने लाए थे ना सब डबल डबल हो गए। ब्रजवासी बोले भैया आप तो ठग गए। बोले क्यों? बोले हमें पता नहीं था डबल डबल हो जाएगा, नहीं तो और ज्यादा बना दिया होते हैं। इतने में मतलब क्या, भगवान को भोग लगाने से कभी कमी नहीं होता, प्रसाद हर समय बैठती रहती है। इसलिए घर में क्या करना, बगैर प्याज लहसुन के खाना बनाना और भगवान को भोग लगाना। देखो कितना कथा सुने हो, प्याज लहसुन ये गैया की मांस और हड्डी से लहसुन बनाए, ये बोगलों का, ध्यान देकर सुनिए, बोगलों का खाना था, मुसलमान को खाना था। किसी हिंदू घर में प्याज लहसुन नहीं घुसता था, मांस मछली अंडा कोई नहीं खाते थे, लेकिन ये मुसलमान लाए इस चीज को और हमें सारे मुसलमान बनाए। हम सब मुसलमान बन गए क्योंकि हर हिंदू घर में पहले ठाकुर को सेवा पूजा ठाकुर को भोग लगा के खाते थे, लेकिन हमें ये मुसलमान ने सारे मुसलमान बना दिए, उल्टा सीधा खान पान है। इसलिए घर में ये सब चीज को मत घुसाया करता हूँ, क्योंकि गैया की मांस से ही ये प्याज बनी। जैसे नवरात्रि आई, नवरात्रि को कोई प्याज लहसुन खाए हो? नहीं खाए। बोले क्यों? माता जी को पसंद नहीं क्या? मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, फिर खा कर नाराज कर दो। इसलिए 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा। इसलिए नहीं, जो चीज ठाकुर को भगवान को पसंद नहीं वो चीज हमें कहते नहीं लानी चाहिए। शुद्ध रूप में बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, बच्चों को खिलाओ और परिवार को खिलाओ। घर में प्रसाद अगर खाओगे ना घर में शांति सुख रहेगा। कृष्ण बुद्ध कहते हैं जो मेरे को प्रसाद लगा कर खाते हैं उसको घर में दुख कष्ट नहीं आता है। क्यों? लक्ष्मी ठाकुर का सेवा लेते हैं। अगर लक्ष्मी पैसा से सब चीज खर्च करते हो, लक्ष्मी नारायण की जब भगवान की सेवा में सब लग गया, लक्ष्मी खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, फिर तो घर में माला माल है। लेकिन अगर घर में लक्ष्मी खुश नहीं हुई ना, भले ही घर में तुम्हारी करोड़ रुपया अरब खरब आ जाए, देखना घर में शांति सुख नहीं रहेगी। कोई कोर्ट केस लगा देगी, कोई मामला लगा देगी, कोई कठिन बीमारी दे देगी और उसी में ही सारे पैसा सारे खत्म। क्यों? आप लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा में नहीं लगाते। हर चीज पैसा से, वो चीज अगर प्रभु की सेवा में लगेगा तब ठाकुर को सेवा में, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने बोले भैया चलो इसको चकाचक खाओ और गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए चलो। भगवान स्वयं सारे ब्रजवासियों को लेकर के उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा लगाए। अभी हम लोग भी गिरिराज प्रभु जी बड़े सुंदर गिरिराज की परिक्रमा लगाएंगे। कृष्ण रुक्मिणी सजे हो? कृष्ण रुक्मिणी को सजाए भी नहीं, सज गए? हाँ ठीक है। अब देखो जो कुछ भक्त लोगों ने जो जो कुछ जिन जिनों का मैं नाम लूंगा ना, आप लोग इधर आ जाना और एक एक फटो आप लोग के लिए व्यवस्था। देखो इधर इधर सुन प्रखरा रुक जा, इसलिए इधर सुना। देखो आप लोगों ने सब लोगों ने जो उसमें एक पैसा भी दिए हो, भागवत कथा में जो केवल 1 रुपया भी दिए हो, ठाकुर सब जानते हैं। ठाकुर सबको पर में ठाकुर जी कृपा है। लेकिन जिन लोगों ने कोई विशेष सेवा की है हम तो स्वागत करना चाहते हैं। आप लोग जो मन खराब नहीं करना, क्योंकि जो केवल कथा सुनने के लिए यहाँ कथा में तो सुनने के लिए आ गए ना, उसका भी भगवान कल्याण करते हैं। इसलिए कथा में सबसे बड़े सहयोग इसके, जैसे श्री सुखदेव गोस्वामी आ गए, अगर परिचित नहीं होता तो कथा होता? सुखदेव गोस्वामी आ गए, अगर परिचित नहीं होगा तो कथा होता नहीं। आप लोग जितने कथा सुन रहे हो आप परिचित हो, अगर आप नहीं आते तो कथा थोड़ी हो सकती। इसलिए आप लोगों के लिए जोरदार ताली हो जाओ। और इन्हीं कथाओं में जैसे कोई तन से, कोई मन से, धन से, हर तरह से सब लोगों ने मदद की है। इसलिए अगर कोई मन से भी भागवत की कोई सेवा कर दिया भगवान उसको भी कृपा, क्योंकि भगवान केवल प्रेम की भूखे ठाकुर जी। इसलिए इन्हीं कथाओं में और हमारे सो कलाकार प्रभु जी जो बड़े सुंदर क्यासिया बजाया, आप लोगों को नचा दिया है, और हमारे श्री श्रीकांत प्रभु जो पेड़ बजा रहे हैं, और हमारे श्री सिद्धार्थ प्रभु जी जो ढोलकी में, ये लोग हर समय अब देखे होंगे जब जब मैं आता हूँ मेरे साथ में, ये सब के सब मेरे साथ में आते हैं। इसलिए इन लोगों ने आपको बड़े आनंद दिया, आप उसके लिए भी जोरदार ताली बजा। इन्हीं कथाओं में हमारे श्री माइक वाले भैया, माइक वाले नाम है
इन्होंने भी अच्छे बड़े सुंदर माइक लगाए, लेकिन अब इनके लिए भी काले बजाय इनके भी जीवन में शांति और सुख मिले। और इनकी कथा में कुछ भक्त लोगों ने घर घर में जाकर कलेक्शन भी किया, जैसे हमारे कालीन दीदी गई, कालीन दीदी है यहाँ पर इसलिए, और हमारे श्री सीमा जी के कुछ भक्त लोगों ने घर घर में गए और उनने कुछ कुछ पैसा कलेक्शन किया। अब इनके लिए भी ताली बजाओ। और उसमें जो कीर्तन मंडली वाले हैं, हाँ कीर्तन जो मंडली माता है, हाँ उन लोगों ने 51,000 की, इन लोगों ने जो कीर्तन करते थे जो थोड़ी थोड़ी पैसा आता था वो पैसा को भागवत कथा में दिए। अब इनके लिए भी ताली बजाओ कीर्तन मंडली के लिए। और हम लोग ने हमारे श्री जो विनोद प्रभु जी जिनके घर में हम रुके हैं, देखो हम लोगों को बड़ी आदर पूर्वक रखे, उन्होंने ऐसी घर हमको छोड़ दिया, स्वयं साधारण घर में सो रहे हैं लेकिन हमारे लिए ऐसी घर छोड़ दिए। और इनका बेटा बेटी और पति पत्नी तीन रात हमारी सेवा में ये लोग लगे हुए, तीन रात सेवा में है। इसलिए मैं ठाकुर जी को प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर जी इनको भक्ति, ठाकुर जी इनको प्रेम दे, है प्रेम दे। और इन्हीं कथाओं में फिर कुछ कुछ भक्त लोगों ने कोई विशेष विशेष सेवा दी है, यहाँ पर मैं उनका नाम को बुलाता हूँ, वो आ करके यहाँ से फट ले जाए। महेंद्र और केशराम भाई इनको फटो दे दिया, कहते श्री संजय प्रभु जी और श्री जीत प्रभु जी, श्री राम कुमार प्रभु जी, प्रदीप राठी इनको फटो दी गई। और भोला भाई, भोला भाई और सुनील प्रभु, ठीक है इसको ऊपर सबको दे दिया, संजय प्रभु जी, श्री भोला प्रभु जी आ जाओ इधर, भोला प्रभु जी और जिनका नाम ले लेता ना एक कथा आ जाओ, भोला प्रभु जी, श्री सुनील प्रभु जी की मम्मी और महेश जी की मम्मी, घन सिंह की मम्मी, घन सिंह की मम्मी और सुनील पहलवान की मम्मी और नट्टू जी की मम्मी, रविंद्र जी की मम्मी और सामने प्रभु जी की मम्मी और लता वर्मा और जितेंद्र, रवि प्रकाश, वीरेंद्र कालू की मम्मी और विनोद सीबीआई और नरेश प्रे और हमारे श्री कहते श्री शिवा प्रभु जी, रवि और संजू बिल्लू पाल कृष्ण पंडित मंदिर वाले और ब्रजवासी जी और श्री सुभाष पंडित जी, हाँ जो हमारे गांव के पंडित जी है, जिन लोगों का नाम लिया ना उनका परिवार में कोई भी माँ पिता माता कोई भी आओ जिनका नाम लिया सब एक एक करके आ जा सके। और गांव के सारे पंडित जी और हमारे श्री चाचा जी और श्री मनोज प्रभु जी और जिसका नाम लिया, हाँ चाचा जी और श्री मनोज प्रभु जी, सब इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। इन लोगों ने तीन रात को एक करते हुए ये कथा भी इन लोगों ने सहयोग किया है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ, ठाकुर आप सबको ऊपर में कृपा करे, आप घर में खूब फलते फूलते रहो और जीवन में शांति और आपको सुख मिले और जीवन में प्रभु की भक्ति करते रहो, ठीक है। बोले श्री गरीबवासी के भक्त वृंद की जय जय श्री राम। फटो दो, फटो दो प्रभु जी, फटो दो पहला जो आ रहे हैं उनको एक मिनट एक कोई फोटो ले तो ए हरे कृष्णा तो पीला फोटो ले, कोई है सामने, कोई है यहाँ पर, अरे दो तो नीचे नहीं हो जा रुक तो आप बता दीजिए आप फोटो ले कोई हम नहीं है ये लोग बच्चे पीछे जा रहा हूँ जिन जिन का नाम लिया एक एक करके आ जाओ। आगे तो आगे आ गया हरे
श्याम सुंदर बोल जी आपने एक महान बोल की जय जय श्री राम Thank you.
गिरिराज बन बोलो गिरिराज महाराज की बोलो गिरिराज धन भगवान की जय कौन कौन गिरिराज जी जाएंगे सब लोग जाएंगे कोई हाथ नहीं उठा नहीं जाएंगे क्या जाएंगे जिधर बीच में नहीं जाएंगे हाथ नहीं उठा रहे सभी लोग जाएंगे गिरिराज नाचते कूदते हुए सब बड़ा ओ मैं तो गोविंद धन को स्वामी जी Yeah.
शादी होगी कृष्ण सिवा
कौन शिवाजी? सुदामा नहीं आ? ठीक ठीक है। और कृष्ण रुक्मिणी बनाना माताएं सब बैठ जाए बैठ जाए। बस गिरिराज बाबा की महाराज की, बस गिरिराज महाराज की। अरे वो हाथ, एक बार परिक्रमा बंद करो, अभी हाथ में परिक्रमा लगाना, अभी बंद कर दो। गिरिराज वही रहेगी, बाद में भी परिक्रमा कर सकते हो। अभी कोई परिक्रमा मत करो, बाद में परिक्रमा लगा जो जहाँ पर वही बैठ जाओ, जिसको बाकी रह गया एक बार अभी बाद में दो बार कर लेना, लेकिन वहीं पर बैठ जाओ। हरि बोल। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस रुक्मिणी रामायण भगवान की जय। जय जय श्री श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हरि परिक्रमा कोई नहीं करे, सबको परिक्रमा बंद करवा दो, बाद में फिर कर लेना। गिरिराज यही रहेगी, चार बार नहीं, बाद में सात बार नहीं, 21 बार कर लेना कोई। अभी बैठ जाओ वहीं पर, अभी कृष्ण रुक्मिणी आएंगे। बस रुक्मिणी रामायण भगवान की जय। जय श्री राम। हरे कृष्ण। बस गिरिराज बाबा की। अरे जयकार कोई नहीं करे। बस गिरिराज बाबा की। बस गिरिराज धरण की। शिवा प्रभु जी, ये गिरिराज की बनाया किसी ने? देखो ये जो गिरिराज गोवर्धन है, हमारे श्री गौराम, ये शिवा की जो बेटा है ना, उसने ये गिरिराज गोवर्धन बनाया। आप उसके लिए ताली बजाओ, क्योंकि गिरिराज की कृपा से सब कुछ मिलती। देखो इधर सुना, और हमारे श्री रोहिणी सुत प्रभु और हमारे श्री चिराग, इसका नाम श्री चैतन्य चंद्र, ये लोगों ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, आप इनके लिए ताली नहीं बजाएंगे। रोहिणी उधर आ जाए, देखो इधर, हाँ हरे कृष्ण इधर देखो। हाँ ये प्रभु जी, आपका जो यंग स्टार है, आपको जो यंग बच्चे हैं, इधर सुना ध्यान से, आपके जो बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, ये प्रभु जी उनको व्हाट्सएप में कथा भेजते हैं। अगर उनसे कोई प्रश्न करना, ये तो अच्छे लिखा पड़ा है, इसने अच्छे लिखे पड़े हैं। ये दोनों मिल करके श्री गिरिराज की सेवा की। एक अलीगांव, जब हम अलीगांव गए थे ना, देखो हम हमारे गुजर का गांव गए थे ना, देखो ये छोटा बच्चा, हम सोच नहीं सकते बच्चा कितना सेवा किया, दिन रात हमारे साथ में रहता था। और इसी बच्चे की जन्म तिथि पर हमारे वन महाराज गए थे, केवल इसी बच्चे का जन्म तिथि में गए, इसी बच्चे के वजह से पूरा के पूरा अलीगांव घूम गया, पूरा के पूरा। हाँ जी बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं आप उनको जानते होंगे। इधर गौरा की तरफ, ये दोनों मिलकर के श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने बनाया है। हरे कृष्ण। और देखो और एक चीज समझो, जैसे हमारी कथा गाँव के बीच में हो रही थी, लेकिन एक भक्त ने जिसका नाम था जो शरीर छोड़े, जय राम प्रभु जी, देखो भागवत कथा में कैंसर में पड़े हुए थे, लेकिन ये चीज को अच्छे तरह से समझो, अगर कोई कैंसर में पड़ा हुआ भागवत कथा हो रही है, अगर शरीर छूटा मतलब क्या है, वो भाग्यवान है। भगवान की कथा होते होते कैंसर में जितना दिन पड़ते उतना दिन तुम कष्ट भोग करते, लेकिन तुम्हारी गाँव में कथा हो तो उसकी पुण्य से क्या हुआ, कथा के पुण्य से ठाकुर जी अपना पास में जल्दी जल्दी बुलाएंगे। इसमें बुरा नहीं माननी चाहिए, इसमें अच्छा माननी चाहिए, एक व्यक्ति भगवान ने एक ऊपर कृपा की है, ठीक है ना। हम इन्हीं के लिए, तो इनके आत्मा के लिए शांति आपके द्वारा मंगवाया, शांति सबके, इसलिए देखो हमारे ये प्रभु जी के पास में जो बच्चे यंग बच्चे हैं, आप इनको सब अपना व्हाट्सएप नंबर फोन नंबर दे करके जाना, फिर ये आपको बच्चों को अच्छे अच्छी क्लास भेजेंगे। और इनको हम बीच बीच में ना ये गढ़ी गाँव में बुलाएंगे, प्रभु जी को गढ़ी गाँव में बुलाएंगे, जब ये प्रभु जी आए, केवल आपको बच्चों के लिए, जो बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, केवल इन्हीं के लिए ये अलग क्लास देगा। आप अपना बच्चों को भेजोगे ना, देखना आपका बच्चे इतने अच्छे बनेंगे, भगवान की भजन करेंगे, पिता माता की चरण छूएंगे, सब लोग उठेंगे, आपका आदेश पालन करेंगे, हरिनाम करेंगे। और जो बच्चा प्रभु की भजन भक्ति करे ना,
पिता माता क्यों पैसा कमाते हो बच्चों के लिए? अगर तुम्हारे बच्चे अगर सुधर गए तो समझो तुम्हारी घर ही वैकुंठ गोलोक वृंदावन बन जाएगा। इसलिए आप लोग जितने यंग बच्चे आए हो सबके साथ जाते समय इनको अपना फोन नंबर दे कर लेना, व्हाट्सएप नंबर दे कर लेना और प्रभु जी आपको बीच बीच में बुलाए करके बीच बीच में। हरे कृष्णा। आपको गांव में जो विनोद का जो भैया है श्री जनेश पहलवान, इन्होंने भी कुछ भी पहले उन्होंने भी शरीर छोड़े हैं है? हम श्री ठाकुर जी को पास में प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी उनको आत्मा को शांति और सुख दे दे। तो किसी घर में कोई व्यक्ति इतना जल्दी शरीर छोड़े, लेकिन लोग ना साधारण लोग नहीं कथा बताओ नहीं रखा करेंगे और घर में संतों का आश्रय नहीं देंगे। लेकिन विनोद ने इतना कहा नहीं, उनको मना करने पर बोले नहीं हमारे घर में गुरु जी रहेंगे और हमारे गुरु जी घर में रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने हम लोगों को रखवाया कीर्तन कराया, इसलिए उनकी आत्मा को शांति मिले, इनकी आत्मा को शांति मिले। इसलिए आप लोग सबके साथ इनके नाम पर ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करो, वो कहीं भी है हो इनकी आत्मा को शांति मिले और इनके नाम पर एक बार भगवान का नाम बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री हाँ हरे कृष्ण। देखो गले में तुलसी करके पहनने का इसका कितना महत्व है, ये प्रभु जी दो मिनट में कथा सुनाते सही घटना है, ये वृंदावनी घटना है। बोलो तो हरिभूल हरिभूल जी देखिए ये बिल्कुल सच घटना है। जैसे महाराज जी भागवतम करते हुए आ रहे हैं, माइक का साथ तेज करो। कुछ दिनों पहले काफी टाइम पहले एक भागवतम हुई एटा में फरवरी में, तो जब हम उस भागवतम सात दिन महाराज जी के साथ ही थे हम उस भागवतम में, तो वहाँ पे कुछ फोटोग्राफ रखाई हुई थी, तो कुछ लोग तो पहचान में आ रहे थे कि जिन्होंने भागवतम रखवाई है उनके परिवार वाले हैं, एक छोटे बच्चे की फोटो रखी हुई थी। तो जिन प्रभु जी ने भागवतम करा रहे हैं वो महाराज जी के ही शिष्य हैं, वृंदावन में रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये बच्चे की फोटो, ये बच्चा लग तो नहीं रहा आपके घर का, है कौन? तब उन्होंने कहा कि देखो कुछ दिनों पहले क्या हुआ, वृंदावन में मेरे घर पे काम चल रहा था तो एक मिस्त्री काम कर रहा था, ठीक है, वो क्या बिहार से आया हुआ था और अपने दो बच्चों को साथ लाया हुआ था, एक बेटा बड़ा, एक बड़ा था बेटा और एक छोटा था। तो हुआ क्या, हमने बताया ऐसे ऐसे महाराज जी के बारे में, वो महाराज जी से मिला तो बड़ा उसको अच्छा लगा और उसने फट से क्या किया, महाराज जी से कंठी ले ली और हरिनाम ले लिया और क्या करने लगा, हरिनाम करने लगा, कंठी और तिलक लगाने लगा। उसने क्या किया, खुद ले लिया और बड़े बेटे को दिला दिया। छोटे बेटे ने कहा कि पापा मुझे भी तो दिला, उन्होंने कहा अभी तो थोड़ा सा छोटा, थोड़ी चल महाराज जी अगली बार आएंगे ना तेरे को तब दिला देंगे। अब हुआ क्या कि कुछ दिनों के बाद, देखो हमारे यहाँ पे हमें पता है जादू टोना टोटका ये चलता ही रहता है, तो उसके किसी दुश्मन ने क्या किया, काला जादू कर दिया उनके परिवार पे और स्पेशली किस पे किया था, उस मिस्त्री पे कि ये मारा जाए। अब देखो होता क्या है, एक रात को गेट कीपर खुद बता रहा है कि आज तक मैंने अपने जीवन में ऐसा सांप नहीं देखा, बकायदा गेट से सांप आया है बहुत मोटा बहुत लंबा, सीधा उनके जहां पे वो मिस्त्री लोग रुके हुए थे वहीं गया है, उसने छोटे बेटे को काट लिया, छोटे बेटे को काटा, छोटे बेटे ने पापा को जगाया कि पापा कुछ काटा है, उसने कहा सो जा होगा कोई मच्छर कीड़ा सुबह देख लेंगे। 15-20 मिनट के बाद देखा बेटे के मुंह से झाग आ गए, ऑन द स्पॉट मर गया। चलो ये बात तो वहां की हुई हुई। अब बिहार में छोटी बहन है, छोटी बहन है, उस बहन पे अब ये छोटा भाई आने लगा और आके कह रहा है कि मैं अपने पिता से ना बहुत नाराज हूं, बहुत ज्यादा नाराज हूं। क्यों नाराज हूं, खुद कंठी पहन ली, हरिनाम ले लिया गुरुदेव से, ठीक है, बड़े भाई को भी दिला दिया, इसलिए तो मैं मरा, जो टोना छोड़ा गया था ना वो पापा के लिए था, वो आया उसने देखा ना पापा पे चढ़ सकता हूँ ना बड़े भाई पे चढ़ सकता हूँ, बचा मैं क्यों, क्योंकि मेरे गले में कंठी नहीं, मुझे हरिनाम नहीं दिया हुआ मेरे गुरु ने, कहते उसने मुझे ही काट दिया। और क्या कह रहा है देखो, कहता दो नीले दरवाजे हैं,
मैं उसमें घुसने की कोशिश करता हूँ पर नहीं घुस पाता। एक नीला दरवाजा जो प्रभु जी रह रहे हैं अपनी कॉलोनी में, उन्होंने भी अपने दरवाजे को नीला पेंट करा रखा है। और अगर आप में से जो रूप सनातन गौड़िया मठ गए होंगे, उन्होंने देख रखा होगा कि हमारे गौड़िया मठ के भी दरवाजे नीले हैं। तो कहता है उस दरवाजे पे तो मैं जाता हूँ ना, वहां तो मुझसे भी तबड़े तबड़े बैठे हुए हैं। फिर आख में कि कब हम मुक्त हों, ये उसने उस वहां की बातें बता रहा है। तो जब ये चीज पता चली ना, तब पता चला कि महत्व क्या है इस कंठी का और हरिनाम का। देखो उसके परिवार पे टोटका किया गया, ना पिता मरा ना बड़ा भाई, छोटे भाई जिसने नहीं ले रखी थी उस पे सही लग गया। तो देखो अगर अपने आप को चाहते हो बचाना ऐसी चीजों से भी ये बिल्कुल सत्य घटना है। अगर जिसको उन प्रभु जी का नंबर चाहिए, उस मिस्त्री का नंबर चाहिए, मुझसे आके ले सकता है, बात कर सकता है। और इसलिए स्पेशली क्या किया, उसकी फोटो भागवतम में रखवाई गई। उसको बोल दिया कि तू बुरा मत मान, हम तेरी फोटो भागवतम में रख रहे हैं, बारा जी आ रहे हैं, भागवतम कर रहे हैं। बस भागवतम के बाद से अभी तक उसके बारे में कुछ सुनने को नहीं मिला। तो भागवतम का भी देखो कैसा फल है कि कोई चला गया, उसके नाम अगर भागवतम में ले भी लिया गया तो देखो उसका कल्याण निश्चित है। तो इसीलिए ये अपने मन में ठान लो और मान लो कि कंठी और हरिनाम मुझे लेना है। और अगर हम में से भी किसी का भी कोई चला गया आसपास में, तो इस भागवतम में मनी मन उसका नाम ले लो, उसका पक्का कल्याण होगा। गॉड प्रेमानंद वृंदावन हरिलाल की। जो कंठी माला लेना चाहते हो कल आकर के मेरे से ले जाना, बिना किसी घर में आज ले जाना। हरे कृष्ण। देखो जिसका ये कोई खोया, किसी ने किसका खो गया, और जिसका होगा कथा के बाद फिर से आप लोग ले लेना। तुम्हारी ठीक है। अभी कृष्ण रुक्मिणी तैयारी, प्रभु जी कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है, कृष्ण रुक्मिणी को ले आओ। कहाँ कृष्ण रुक्मिणी? हाँ देखो अभी भगवान कृष्ण और रुक्मिणी आ रही है। कल से विदर्भ देश में भीष्मक नाम का राजा थे, इनके पांच बेटे और सबसे जो प्यारी बेटी से रुक्मिणी, ये लक्ष्मी। नारद जी को ये बात पता था, इसलिए बचपन से उसको बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुनाई। उसने प्रतिज्ञा ठान ली, शादी करूंगी तो द्वारकाधीश से शादी करूंगी। लेकिन उसको बड़ा भैया बोले नहीं, मेरी बहन के तो शादी किसी राजा महाराज से होनी चाहिए। उन्होंने श्री शिशुपाल को साथ में तय की। इतने में त्रिकुणी ने एक ब्राह्मण को बुलाए और एक प्रेम पत्र लिख करके श्री कृष्ण को पास में भेज दिए। और कृष्ण देखते ही समझ गए भैया ये तो कोई प्रेम का पत्र है। अभी कृष्ण रुक्मिणी कृष्ण किसी को नहीं देखे, लेकिन रुक्मिणी ने इतने सुंदर उसने शरणागति युक्त उन्होंने पत्र लिखी थी। बोले हे प्रभु, अगर जगत में पति बनने का लायक केवल आप ही हो, और जगत में कोई पति बन ही नहीं सकते हैं, लेकिन मेरे बड़े भैया ने शिशुपाल को साथ में शादी की तय की है। लेकिन प्रभु जन्म जन्मांतर तक प्राण त्याग कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी सियार को में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। आप तो पुरुष सिंह हो, आपकी कथा सुनते सुनते आप मेरे रोम रोम में बैठी गई। आप आओ और मेरे को यहाँ से उद्धार करो। ए कृष्ण रुक्मिणी को ला रहे कि नहीं? ए कृष्ण रुक्मिणी को तैयारी है? कृष्ण रुक्मिणी हरे कृष्णा, कोई कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है? कहाँ है? आ रहे हैं यहाँ पर, तो काम में व्यस्त है, कोई देखने वाले नहीं। हाँ ठीक है, कोई वहीं पर खड़े हो जाओ, वहीं पर खड़े रहो, रुक जाओ। कृष्ण रुक्मिणी वहीं पर दो मिनट खड़े हो जाओ। बोले श्री कृष्ण रुक्मिणी भगवान की, बोले श्री रुक्मिणी रमण भगवान की। हाँ देखो ये बीच में ना थोड़ी सी रास्ता छोड़ दो, ये बीच में थोड़ी सी रास्ता छोड़ दो उनको आने के लिए, बीच में एक रास्ता बना दो। रुक्मिणी लिखती है, बोले प्रभु हमारी एक नियम है शादी की, बेटी शादी से पहले वो जाती है माँ की पूजा करने के लिए, देवी पूजा करने के लिए। जब मैं जाऊंगी उसी समय में, वहीं पर खड़े हो जाओ, इसलिए उसी समय में अपना पराक्रम को दिखाते हुए आप मेरे को उद्धार करना। उन्होंने डिटेल से सब कुछ लिख दी। और इतने में जब रुक्मिणी अपना सहेलियों के साथ में देवी मंदिर में गई,
वहां पर स्वयं शंकर पार्वती वहां पर स्वयं प्रकट हुए और वेद मंत्र से उन्होंने उनकी शादी कर ली। और जो रुक्मिणी वहां से जब निकली, इतने सुंदर थी रुक्मिणी, कभी जगदम्बा जगजनी की माँ लक्ष्मी, इनकी रूप देख करके जितने सैनिक थे ना वहीं पर बेहोश हो गए। इतने में कृष्ण प्रकट हुए और रुक्मिणी को हाथ को पकड़े और रथ में बैठाए और उनको लेकर के ठाकुर जी वहां से चले गए। बस रुक्मिणी रामायण भगवान की। ताऊ भैया बोले, भैया कोई चिंता मत कर, तू रुक्मिणी को लेकर लीजा, मैं इनको मैं देख लेता हूँ। इतने में श्री बलदेव प्रभु आए, सबको मार मार कर भगा दिए और कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका में गए और बड़े धूमधाम से शादी हुई। हाँ देखो, और एक बात सुना, कल जगन्नाथ जी रथ यात्रा, हरे कृष्ण, सुना इधर, कल जब आप लोग आओ ना ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी के लिए कुछ सूखा प्रसाद लेकर आना, ठाकुर जी के लिए कुछ सूखा प्रसाद लेकर आना। जगन्नाथ जी जब रथ में जाएंगे तब जगन्नाथ जी प्रसाद पा कर जाएंगे। और कल है कौन सा रंग का साड़ी पहन करके आओगे? पीला रंग की, और कोई रंग नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा तो उधार कर पहनना, लेकिन पहनना पीला रंग, पूरा पूरा गरिया में पीला पीला हो जाना चाहिए। ले आप कृष्ण रूप में आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों आ जाओ, कृष्ण रूप में इधर आ जाओ। हरे कृष्ण के लिए फूल माला लो, उसको ये दे दो, दोनों को पहना लो। हरे कृष्ण, ओ भैया हरे कृष्ण, आप लोग सब ताली बजाना। श्री रुक्मिणी रामायण भगवान। हरे कृष्ण, अभी प्रभु जी इनके विवाह की भजन गाएंगे। आते कोई देख सुना, प्रभु जी विवाह की भजन गाएंगे। आप लोगों को साड़ी कोई लाए होगा, सुदामा के लिए अगर कोई चावल लाए होंगे, जो कुछ देना है, जो कुछ देना आप यहीं पर ला करके, जो कुछ चढ़ाना चाहते हो, जो कुछ प्रणाम देना चाहते हो, जब ये प्रभु जी भजन गाएंगे ना उसी समय में सब दे देना। और जिन लोगों ने इस बार के लिए प्रसाद लाए, अपना अपना पात्र सबके सब साथ ले जाना, जाते समय पात्र ले जाना, ठीक है। और प्रभु जी सुदामा तैयार है, प्रभु जी एक भजन के बाद सुदामा जी की भजन गाएंगे। आ गया सुदामा, ठीक है।